सेक्स सुना कुछ सुना कुछ जब से तेरे मैंने मेरे में से लग गए सिंगिंग की दुनिया के एक लेजेंड शान का स्वागत है टीआरएस पर जेन जेड्स प्लस इवन माय जनरेशन वी सी ऑल द सिंगर्स ऑफ री ऑटो ट्यून फेसेस द आइकंस हमें इतना काम उस टाइम पे मिला था इसलिए नहीं कि हम बहुत कमाल के सिंगर्स थे but we were very quick. जब मैं वो गाने सुनता हूं मुझे लगता है कि यार ओके कैसे हुए ये टेक्स

अगर आप स्पायरल में चले जाओगे ना दो सैड सॉन्ग विल टेक यू डाउन विद इट सो डोंट गो दैर डोंट एंजॉय दिसनेस एल्कोहल या स्मोकिंग की वजह से आपकी म्यूजिकल जर्नी अफेक्ट हो सकती है इतनी इफेक्ट नहीं होती है लेकिन अगर आप

पहले तो ये हमारे लिए एक एक्सपेरिमेंटल एपिसोड है पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि शान एक बहुत तगड़े कॉन्वर्सेशनलिस्ट है पॉडकास्ट की दुनिया में ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है ऑनेस्टली आई पर्सनली एन्जॉयड दिस कॉन्वर्सेशन लॉट हमने एक कॉन्वर्सेशन करी थी सोनू निगम सर के साथ आ, पिछले साल जो बहुत बड़ी सुपरहिट बन गई दिस इज़ इन द सेम कैटेगरी क्योंकि हमने म्यूज़िक को एज अ स्किल ब्रेक डाउन किया म्यूज़िक इंडस्ट्री को ब्रेक डाउन किया और ऑफ कोर्स शान के करियर के बारे में बातें करिए फिल्मों की दुनिया के बारे में बातें करिए दिस वॉज़ अ वेरी फन फोर आवर्स स्पेंट विद शान आई होप यू एन्जॉय दिस एक्स्ट्रा लॉन्ग एपिसोड ऑफ द रणबीर शो फीचरिंग द आइकॉनिक शान <laughs> कहा जाता है कि फर्स्ट टेन सेकेंड्स ऑफ चांद सिफारिश आर ग्रेटर देन मेनी पीपल्स करियर्स ओके आपको ऐसे से लगता है इस पर तो ज़्यादा ध्यान तो देता नहीं है बिकॉज इट मोर सेंसेशनल एंड रादर देन ट्रू सो आप ये मानते हो कि आप सिंगिंग की दुनिया के एक लेजेंड हो नहीं बिल्कुल नहीं मैं लेजेंड वाली चीज़ तो हजम नहीं होती है सीरियसली नहीं ऑनेस्टली क्योंकि ऐसा कुछ खास मुझे नहीं लगता किया हूँ लेकिन अब तक वो आग वो फायर वो कुछ करना है वाली चीज़ तो बहुत कूट कूट के भरी हुई है शुरू से ही थी अभी भी है लेकिन uh, कुछ यू you नो know, थोड़ा सा अनडिज़र्विंग प्यार मिला है बिच आई कान कम्प्लेन अबाउट इज ऑलवेज ग्रैटिट्यूड फॉर दैट बट बहुत कुछ करना है अनडिज़र्विंग प्यार uh, मैं ऑनेस्टली जिस पोटेंशल uh, से गा सकता हूँ उस तरह के या तो गाने नहीं हुए या फिर मे भी एन वक्त पर कुछ ऐसा हो जाता है कि आई होल्ड माई सेल्फ बैक और लगता है कि uh, इसे ऐसे गा दे तो मतलब बेसिकली आई कुड डन बेटर मैं दो चीज़ कहना चाहता हूँ पहले तो आपका स्वागत करना चाहता हूँ टीआरएस पर स्वागत हुआ नहीं है uh, मैं ये कहना चाहता हूँ कि शान का स्वागत है टीआरएस पर

कुछ गाऊँ बया मे वी मे दैट देखिए आपने मेरी आई एम फीलिंग बैरा नाउ मुझे एक कॉन्सटेंट फियर ऑफ रिजेक्शन चलते रहता है तो वो मैं पहले ही अपने आप को ही पहले से ही तैयार कर लेता हूँ शायद ये ये एक इशू भी है बट आई एम वर्किंग अलॉर ऑन एफोमेशन और ये नया नया अभी जस्का शुरू हुआ है मैनिफेस्टेशन ये सब कभी जिंदगी में कभी नहीं किया था कि यू नो कई सक्सेसफुल स्टोरी सुनता हूँ तो पहले से ही वो प्रेडिक्ट कर लेते थे कि नहीं यू नो मैं तो आई एम आई एम बॉर्न फॉर दिस एंड आई एम ओ गेट देयर एंड लिख देते थे कि मैं एक दिन वहाँ परफॉर्म करूंगा ये करूँगा वो करूँगा और मुझे वो बहुत अजीब सा लगता था कद आई बिलीव इन डेस्टिनी जो होना है वो होना है वो आपके ज़िद पकड़ने से क्या होने वाला है बट बट नाउ लेटली आई एम बिगनिंग टू थिंक दैट यू नो दिस मेक सेंस द सीक्रेट एंड थिंग्स लाइक दैट तो अब इस अधेड़ उम्र में ये सब चीज़ें समझ में आने लगी है। <laughs> पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो म्यूजिक आर्टिस्ट आए हैं अब तक शो पर उनके साथ हमेशा बहुत ज्यादा मेमोरेबल कॉन्वर्सेशन रहती है एंड mm -hmm. mm -hmm. मैंने इसके बारे में सोचा है कि ये क्यों होता है हमेशा किसी भी म्यूजिक आर्टिस्ट के साथ स्पेशली जो एक्सपीरियंस म्यूजिक आर्टिस्ट होते हैं उनमें एंड आई कि जितना ज्यादा एक्सपीरियंस आप कलेक्ट uh, करते हो एज अ म्यूजिक आर्टिस्ट आप उतनी ज्यादा हम्बल बनते जाते हो इन लाइफ ये मेरी थियोरी है ओह या दैट आई आई हैव जो भी महान यू नो टॉप क्लासिकल या उस तरह के उस लेवल के म्यूजिशंस हैं जिनमें म्यूज़िक कूट कूट कर भरी हुई है आईज नोट दैट ह्यूमिलिटी इज अमेजिंग जिस मेरे उसाजी उस मिला मुस्फा खास साहब हैं या जकिर हुसैन साहब मैटम आई कोडन बिलीव दिस इज दिस इज द मैन ही वॉज सो ईजी एंड रिलैक्सड सो गुड थिंग इन कहीं से कुछ काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली है एंड गुड जानी जब रिसर्च कर रहे थे तो बहुतों ने ये सवाल पिच किया मुझे कि हिम दिस hmm. सवाल यह कि आ, आपकी आंखें और आपकी आवाज बहुत ज्यादा पॉजिटिव है पॉजिटिव वाइब है और इसलिए लोग आपके गाने सुनते हैं दैट्स जेन्यूनली पब्लिक परसेप्शन अबाउट पर इस पॉजिटिविटी के पीछे कि नेगेटिविटी के बारे में बताइए मतलब इट टेक्स इट टेक्स सम काइंड ऑफ स्ट्रगल या सम काइंड ऑफ संघर्ष इट कुड भी इंटरनल संघर्ष एक्सटर्नल संघर्ष

और uh, और ऑनेस्टली शायद उस टेम्परमेंट की वजह से या जो भी हो लाइफ इज बिन वेरी गुड यार आई हैव ऑलवेज बिन सराउंडेड बाय गुड पीपल सारे लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है साथ दिया है कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरे साथ कुछ नेगेटिव वाइब्स uh, हो रही हैं मेरे सीनियर्स यू नो जब भी शुरू शुरू में करियर में आया उनको भी लग रहा होगा ये कौन सा बंदा आ गया यार हमारे गाने ले रहा है हमारे ये हमारे गाने होने मतलब सीनियर्स यानी जैसे उदित जी हैं शानुदा है अभिजीत दा है दे ऑलवेज गेमी अलॉर ऑफ शायद मेरे पिताजी के, के साथ वो मेरे पिताजी भी कम्पोज़र थे और वंडरफुल ह्यूमन बीइंग अगेन तो यू you नो know, कहीं लगा अरे उनका बेटा है अच्छा ही होगा सो ऑल एंड ऑल कोई ऐसी नेगेटिविटी या कहीं से मुझको स्ट्रगल करना था कहीं से निकल कर खुद में वो पॉजिटिविटी लानी थी ऐसा कभी हुआ ही नहीं स्कूल में भी हाँ एक मैंने एक डिसएडवांटेज एक थी मेरी कि जो भी करता था बहुत ईजीली नेचुरली हो जाता था तो वो डिसएडवांटेज इसलिए है कि देन यू टेक हार्ड वर्क फॉर ग्रांटेड यू नो बिकॉज यू कैन ईजीली उस लेवल स्कूल लेवल कॉलेज लेवल स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल तक तो मतलब सब कुछ ईजिली इतना हो रहा है कि बाकी जो बेचारा मेहनत करते मेहनत करते मरते करते यू नो वहाँ तक पहुँच रहा है और मैं तो ऐसे ही झटके दो दिन फुटबॉल खेला स्कूल टीम स्पोर्ट्स डे में सीधा भागने लगा एट हंड्रेड मीटर्स जीत गया मतलब इट वॉज और ये चलता रहा एटीट्यूड टिल माई मिड ट्वेंटीज़ ऑलमोस्ट अर्ली थर्टीज़ फिर देखा यार मेरे पीछे जो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे मेरे आगे ज निकल गए दे आर सिंगिंग बेटर देन मी दे आर परफॉर्मिंग बेटर देन मी दे आर वर्किंग हार्डर देन मी और दैट्स वेन आई डिसाइडेड कि नहीं यार दिस दिस इज़ एक्चुअली नॉट एन एडवांटेज इट्स अ डिसएडवांटेज फॉर मी कि मैं हर चीज़ को इतना लाइटली लेता हूँ खुद को इतना ग्रांटिड ले लेता हूँ क्योंकि हर चीज़ आसानी से हो जाती है मुझसे सो सो देन आई दे वर्किंग हार्ड बट आई विश आई हैड दैट एटीट्यूड वेलियर तब तक आई वॉज हैप्पी इन माई मीडियो कर स्पेस के चारों से तो आ गए हूँ अच्छी बात है खत्म हो गई बट आई दैट लक्ष ना कि यार मुझको ये बनना है मुझको वो करना है ऐसी चल रही थी सो दैट एटीट्यूड चेंज केम इन अबाउट यू नो डैड बनने के बाद कि बच्चों को भी जब तक ये बड़े हो जाए ऐसा ना लगे कि यार वो डैड किसी दिमाग में कुछ करते थे सो दैट केम इन लेटर आपकी एज क्या थी थिंक अबाउट और फिर उसके बाद क्या हुआ एक तो डेस्टनी होती है जब आपका वक्त अच्छा चलता हो किसी ने मुझे बताया कि आपके कुछ डबल गुरु है एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजी जब okay. जिसने बताया था तो मैं बोला ये कब शुरू हुआ वो ये बोला लगभग कुछ तेरह साल पहले तो मैं बोला क्या मतलब ये एक साल ही बाकी है क्या <laughs> ऐसा, ऐसा क्या फोर्टीन ईयर्स मैंने ऐसा क्या चमत्कार हुआ तो जो भी हो बट सो अफकोर्स आई डोट वॉन्ट कनेक्ट दैट टू सक्सेस But as a person, I feel I have grown, evolved, I have uh, understood life better. So, uh, and uh, taken for granted, when uh, I for granted, to So, I got a little more aware of that that I deserve better and I can do better. Wow. अगले फेज के लिए क्या लिखा गया आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में <laughs> <laughs> खास नहीं था उसमें मुझे याद नहीं है आई रिमेम्बर <laughs> अगर, अगर ये बुरा वक्त था तो कमाल था hmm. अच्छे वक्त से बेटर था हमने हाल ही में दो तीन बड़े एस्ट्रोलॉजी के पॉडकास्ट करे हैं हाँ हा, मुझे थोड़ा हा, बहुत पता चला है इसके बारे में अगर ये आपकी जुपिटर महादशा थी मतलब अब एक शनि महादशा आएगी कुछ क्या बताया था वाला कुछ था राहु केतु वाला चक्कर था कुछ <laughs> बोल रहे थे hmm? आपने? को ना इस चीज में बहुत ज्यादा शौक था हम जब छोटे थे हम लोग ग्राउंड फ्लोर के घर में रहते थे बैंड्रा में और कोई भी यहाँ से जा रहा उस टाइम पे बहुत वो सब घूमते रहते थे नो वो तांत्रिक वांतिक भी घूमते रहते थे पता नहीं उस रस्ते से आप और तो क्या हो गया था कि उनको किसी ने बताया था कि अगर आप 42 और 44 के बीच में आप अगर ठीक से खुद को रख लेते हो तो फिर लंबी आयु है सक्सेस है सब कुछ है आपके पास मुझे लगता है कि वो सुनने के बाद ना कहीं ना कहीं उनको लगा था कि ये कुछ गड़बड़ होने वाला है एंड यू नो ही ही डेंट मे बी यू टू की टू सीरियसली टू लाइटली और यू वॉन्ट टू चैलेंज दैट एंड आई लॉस्ट टू एट फोर्टी एंड तो उसके बाद से मैंने बोला कि इस पर ज़्यादा ना ही घुसे तो बेटर है gotcha. हाँ. लेकिन मुझे एक चीज़ है और उस इंसान ने मुझे चैलेंज कर दिया था और मैं काफ़ी लड़ रहा हूँ उस चैलेंज के अगेंस्ट लेकिन फिलहाल तो जीत उनकी ही चल रही है एक कोई दुर्वय जीत है मुझे मिले आपका बाकी आपका लाइव शोज अच्छा चलेगा टी अच्छा चलेगा बहुत प्यार से बोलते हैं लेकिन आपका अभी प्लेबैक का भी वो जो है ना दशा वो ख़त्म हो गया है आपका प्लेबैक नहीं होगा बोले तो ये क्या बात हुई यार उ कैन यू बी सो ना या तो सक्सेस है सक्सेस नहीं है या ये प्लेबैक नहीं होगा मतलब ये 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 सब आता है क्या तो मैं उस बात को लाइटली तो लिया था ये कब बोला गया आपको आ, हो गया मैं उस दिन उन्होंने कहा था उस दिन मैं शानुदा से मिलने गया था शानुदा बोलने लगे क्या चल हमारे साथ एक ये कर दो पॉडकास्ट कर इंटरव्यू कर <laughs> तो मैं इंटरव्यू में कहा था तो वो उसको कुछ पाँच छ साल हो चुके हैं okay. तो, नो आई वॉन्ट फाइट दैट आई वॉन्ट प्रूव हिम रॉन्ग सम हाउ विच मीन्स आई क्या नहीं बिकॉज वो सच होता जा रहा है यार कुछ अच्छे अच्छे गाने भी किए अब एन वक्त पे या तो यू नो स्टोरी में गाना सूट नहीं हुआ या फिर वो रीडअब हो गया तो ये भी चल रहा है काफ़ी सालों से सो आई रियली वॉन्ट टू फाइट दिस आई वॉन्ट मेक श्योर इट्स नॉट कि उससे कुछ मेरे लाइफ शोज में कुछ फ़र्क पड़ेंगे या यू नो रेलिवेंस में फ़र्क पड़ेगा बट एक अब एक जिद हो गया यार कि आपको कहा गया कि ये आपसे नहीं, नहीं होगा, तो होगा वो ही करना तो है ये कर करना यार। मुझे पता है कि जैसे लाइव होते हैं तो लोगों को यू यू नो नो दे वांट हियर है बट you know? uh, ये क्या चक्कर कि ऐसा नहीं होगा ऐसे कुछ योग होते हैं हो तो उस पर मैं दुर्वेजर एस्ट्रोलॉजर दुर्वे दुर्वे थे कोई हाँ मतलब okay. है, है। दुर्वे दुर्वे साहब कमाल के हैं ओके यार बताइए और क्या बताना ना <laughs> <laughs> दुर्वे जी कोई बुरा मत मानिएगा <laughs> मुझे थोड़ा मिमिक्री करने की आदत है लोगों को जब मैं उनकी कुछ बात कहूँ ना तो वो मेरे अंदर आ जाते हैं <laughs> इस पॉडकास्ट के एंड में मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी मिमिक्री <laughs> अरे <laughs> okay. हमारी मिलती है थोड़ी सी रियली really? इन द सेंस दैट लोग मुझे भी कहते हैं आप स्माइल करते हो

Uh, they said, ke, uh, um, uh, Shankar, Esan and I think, I don't know who were involved. I think uh, even Farhan Akhtar, They said, Saif has sung this song. And she was almost convinced. She said, oh, he sounds like him completely. So, yeah. So, you're possibly, of course, Come, you're right. Wow, Shan. <laughs> <laughs> we should, his son is a good friend of my son. Mai and Ibrahim are good friends. Wow. What uh, if they become like playback and... That uh, would be amazing. Yeah, I'd really, really like that. And... and uh, Yeah, that'd be quite an interesting thing. कभी कभी आपके बेटे को देख कर ऐसा लगता है कि आपने कोई क्लोनिंग थोड़ा सा अलग बट uh, वो सिंगिंग वाली वाइब्स कैसे ट्रांसफर हुई है वो सब जेनेटिक है नहीं नहीं उसकी अपनी मेहनत है और एक्चुअली uh, ऑनेस्टली मेरा जो बड़ा बेटा है ना तो लाइक ऐसा ना आई वुड गेट थिंग्स इजी तो उसके साथ भी वैसा ही चक्कर था आपके पापा के साथ भी मेरे पापा एक्चुअली हाँ माई लाइक शुप्स गॉट इज हाइट एंड ऑल दैट फ्रॉम फ्रॉम बोलते हैं ना हाइट स्किप्स जेनरेशन माई फादर वॉज वेरी टॉल ही पर्सनैलिटी कमाल की थी w voice? Voice? वॉइस भी तो मतलब भी बट डैड के साथ क्या हुआ आई नो व्हाट हैपेंड आई थिंक ही लॉस्ट पेशेंस आफ्टर पॉइंट यू नो एक uh, एक uh, इंसान जिसमें इतना ज़्यादा टैलेंट हो और uh, उस टैलेंट को लोगों तक पहुँचाने में इतनी ज़्यादा दिक्कतें ऑबस्टिकल्स आए एंड ही वाज अ प्योरिस्ट मतलब uh, तो uh, कहीं ना कहीं ही गेवा पल इट लर्ली आई थिंक यू you नो know, लोग हमेशा कहते थे कि यू नो यूट ड्रिंक टू मच यू वोट स्मोक टू मच बट आई थिंक इट बिकेम आई थिंक इट बिकेम अ डिप्रेशन इशू नाउ नाउ एम थिंकिंग इट कुड अ मेंटल हेल्थ इशू वेरी अर्ली इन लाइफ बिकॉज यू नो ही वो कलकत्ता से मुंबई आ गए थे एट द एज ऑफ ट्वेंटी थ्री एंड यू नो यू वन ऑफर फ्राम ऋतिक घटक जी वॉज अ वेरी वेरी बिग डटर दैन टू बी हिज कंपोजर एंड प्रोड्यूसर थे सुनील दत्त साहब और वो प्रोजेक्ट वो नहीं बनी उसके बाद जो कुछ भी वो करते रहे ऑलमोस्ट फॉर टेन ट्वेल्व ईयर्स यू नो चीज़ें रुक जाती थी

जब आप सक्सेसफुल uh, हैं तो शायद इतनी इफेक्ट नहीं होती है लेकिन अगर आप अल्कोहलिज्म में आ जाते हो अगर आप स्मोकिंग इसलिए कर रहे हो कि यू नो यू आर जस्ट यू जस्ट वांट टू फॉरगेट यू जस्ट वांट टू तो देन दैट्स डेंजरस डेफिनेटली दैट मींस यू गिवन अप टू सम एक्सटेंट सो नहीं एज एन यू नो एम अ सोशल ड्रिंकर एंजॉय माई ड्रिंक्स आई डोंट स्मोक एर ऑल क्योंकि तो एक पैच हो गया था तो लंग सो क्लाउडी जो भी आप कर रहे हो जब आप अच्छे मूड में हो ना खुशी खुशी कर रहे हो इट्स अ गुड थिंग डिप्रेशन में आप कोई भी कर रहे हो मतलब इन सेंस एनी ऑफ दीज इंटेलिजेंसेज डेंजरस बहुत सारे ऐसे सवाल है जो बहुत लोग आपसे पूछते हैं तो मैं वो सवाल नहीं पूछूंगा थोड़े हाँ, हटके सवाल तो, लेके जा रहे हैं मुझे एक अलग में में <laughs> और <laughs> मैं भी जा रहा खुशी-खुशी <laughs> आपका perspective जानना इसके बारे भांग uh, मेरे बहुत सारे म्यूजिशियन फ्रेंड्स द कम्पोजर्स क्योंकि उन्हें फिर अलग ट्यून सुनाई देते हैं या एंगल ऑन व्यू और मैंने भी पार्टीज करे हैं कॉलेज अंडरस्टैंड वॉट इज बींग बट

मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा सोचता हूँ क्योंकि ये सिर्फ म्यूजिशियस की बातें नहीं हो रही है ये मैं जनरली मीडिया इंडस्ट्री में बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ देखता हूँ आई थिंक इट वर्क्स फॉर सम पीपल इट डजन वर्क फॉर सम पीपल या मैं बिल्कुल जजमेंट के परस्पेक्टिव से या नहीं know, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल वैसे नहीं, नहीं एक टेक्निकल सवाल है ये हाँ कि इन अ सेंस ना कि हाँ, एक्सपीरियंस से आपने क्या देखा है नहीं एक्चुअली क्या है कि जैसे एक और तब्दीली करना चाहता हूँ मैंने कहा ना कि डिप्रेशन में मत करो और इसको अपने फायदे में मत करो डोंट यूज इट लिटरली प्रोफेशनली यू नो कोई ऐसी चीज़ आप मत करो जिससे लगता है कि एक क्लच बन जाए ये क्लच बन जाए आपके ये इसके बगैर मैं आ, सोच नहीं सकता ये करूँगा तो ही मुझसे वो होगा आई थिंक दैट इज रियली अंडर माइनिंग योर सेल्फ खुद को आप बहुत <laughs> क्यों भगवान की दया से है सब सारा दिमाग है सोच है और लॉन्ग टर्म में ना ये जिसे कहते हैं कि मंकी ब्रेन आपकी जो आपको लगता है कि यार आ रहा है लेकिन नहीं है योर बर्निंग योर ग्रे सेल्स तो यू नो दीज थिंग्स हानिकारक तो है हाँ टेम्परली उसका एक फील आता है जैसे मुझे याद है जब uh, होली में भांग लिया था एक बार तो मैंने पूरा एक थीसिस लिख दिया था उस पर <laughs> कि ये जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से शुरू होता है एक दरवाज़ा बंद होता है खुलता है ग्राफिक आइडियाज़ क्या क्या उसमें सोच आ गई थी और हम लोग दमशेराज खेल रहे थे वो खड़ा हो रहा है कुछ किया भी नहीं मैं बोल देता था कि ये Uh, क्या सोच रहा है लोगों को लग रहा है चीटिंग 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 नहीं यार वो, वो, उसने ये किया तो मुझे समझ में आ गया ये गान सो येस इट योर 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 माइंड इज़ डेफिनेटली हाइट इन आर सो मनी मूवीज ऑल्सो ऑन दैट बट ऑबियसली यू वॉन्ट टू यूज दैट ऑन अ कमर्शियल वे आई डोंट थिंक इट्स फेयर जैसे एथलीट्स को अलाउ नहीं करते ना ड्रग्स लेकर दौड़ने को म्यूजिशियंस को अलाउ नहीं करना चाहिए ये सारी चीज़ें अपने <laughs> बलबूते पे करो शो के पहले ये वो लेना फिर परफॉर्म करना क्यों भाई ये भी बहुत होता है नहीं 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 एंड लॉन्ग टर्म इट्स नॉट गुड फॉरगेट लॉन्ग टर्म आप फिर उसके बगैर आप सोच ही नहीं सकते हो तो इमेजिन द देंडी कैप एंड यू नो दैट वॉट यूर डूइंग इज नॉट हेल्प योर हेल्थ तो वॉय डू इट और कहीं ना कहीं मैं बड़ा नेचुरो थेरेपी में <laughs> बिलीव करता हूँ तो नो मेडिसिन नो

For me, the balance is very important and priority on personal life is much more important. So while there is a burning desire, like in personal life, I yani, have to be a good example for my children. Hmm. You know, uh Bibi ka respect is the most important thing, you know, jab, because she's there with you constantly. And someone there with you who doesn't really respect you for the person you are is not a good thing to have. So she should respect me for the person I am. And all that.

Hmm. वो तो आ जाता है आपने कभी ड्रिंक करने के बाद आई एम श्योर आपने गाया है दोस्तों के लिए बेस्ट हाँ, uh, ये तो ये पहली बार ये सवाल <laughs> आया है सामने एक ड्रिंक के बाद आप गाओ कमाल होता है दो के बाद आपकी जो इमोशनल कंटेंट है ना सिंगिंग का वो और हाइटेंड हो जाती है इमोशनल कंटेंट मतलब शब्द क्या कह रहे हैं गाने में यू नो फील्स हाँ एक ड्रिंक के बाद क्या हो जाता है कि यू गेट मोर रिलैक्स रिलेक्स यू नो यू नॉट दैट के uh, सो लगेंगे ये लगे वो आपको थोड़ा सा ईज़ आउट हो जाता है तो ऑटोमेटिकली सिंगिंग बेटर हो जाती है दो के बाद आप घुस जाते हो कि मैं ये जो गा रहा हूँ स्पेशली तब तो गज़लें आती हैं ना ऐसे भारी भारी सब थाट्स आती हैं तो तो वो चीज़ और बेहतर होने लगती है आप अंदाज बयाँ जैसे कहते हैं ना वो और, और बेटर हो जाती है तीन के बाद आपको लगता है आप कमाल कर रहे हो लेकिन गड़बड़ होना शुरू हो जाता है चार के बाद तो बस आप ही गा रहे हो कोई नहीं सुन रहा है इवन इट्स नॉट वर्थ लिसनिंग कोई सुन भी ले के यार इसका मैं वीडियो बना के डाल दूंगा वायरल हो जाएगा बट यू फील कि यूर किलिंग इट कंट्रोल छूट जाता है हाँ इसलिए मैं सोशली दो या तीन अनलेस अपने ही फ्रेंड्स है तो इट्स ओके कहीं सोचस ग्लासेस लानो मैं कई बार सोचता हूँ कि इसका एक सोशल एक्सपेरिमेंट करना चाहिए क्या ऐसे शॉर्ट्स रखो सिंगल सेम ग्रेट वीडियो आइडिया फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट मैंने कहीं पढ़ा था कि यू नो व्हेन इट कम्स टू लाइक अ फाइट द मेल स्पीशीज ऑफ ह्यूमन काइंड वी आर फोर थाउजेंड परसेंट मोर कॉन्फिडेंट दैट दैट वी विल बी एबल टू डू बेटर Hmm. ऐसा एक मारूंगा वहां गिर जाएगा ये हो जाएगा हो जाएगा लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं चांस ही नहीं है सो सिमिलरली सबको लगता है कि, अरे यार मैं तो पूरा खंबा खत्म कर सकता हूँ लेकिन नॉट ट्रू दो के बाद ही समझ में आ रहा है कि ये खुद hmm. <laughs> okay. आपके अनुसार आपका सबसे रोमांटिक गाना कौन सा है जो आपने गाया है सबसे रोमांटिक द सॉन्ग इज ब्यूटिफुली रोमांटिक मुझे ना यार वो

बट hmm. गाने ऐसे तो इज़ी है उसे शो मरने मिटने की बात नहीं हो रही भाई रोमांस है <laughs> 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 यही पॉजिटिव फ़्रेशनेस हाँ हाँ सो आई वुडंट नो ऑफ एनी व्हिच इज द मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग आपके आप कभी रोयो प्लेबैक सिंगिंग के टाइम सिंगिंग करते हो एक गाने में थोड़ा सा वेरी ऑर्ड एक्चुअली दैट टाइम सिस्टर जस्ट मूव्ड एंड वो एक गाना था फ्रॉम द फिल्म माई ब्रदर निखिल और एक्चुअली बहुत रेयली गाना मिलता है जो आप गा रहे हो अपने बहन के लिए बट दैट वॉज द सिचुएशन ले तो ऐसा uh, कि तो, यार सिस्टर से मिलना नहीं हुआ इतने दिनों से महीनों से एंड दैट वाज तो उस on a different context but yeah that singing that song had got a little i got a little choked singing that song Okay. Uh. otherwise nahi hota itna okay hypothetically speaking agar aapke dono beto ne kabhi aapke songs nahi sune hote hypothetically and you could only make them hear one song wow <laughs> tab kaun sa song sunate can Ito i pick ya. for you bahut bhaari please please kyunki i am completely blank at the moment your fan perspective हाँ. ठीक है. ये मेरी इंट्रोडक्शन टू शांति थी तनहा दिल तनहा दिल हाँ 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 बट बट आई वुड लव टू हियर योर आंसर नहीं ना बनाते वक्त ना गाते वक्त ना रिलीज होते वक्त मुझे कभी लगा था कि ये गाना इतना ज्यादा लोकप्रिय या फिर इतने सालों से इसकी इतनी शेल्फ लाइफ इतनी लंबी होती लेकिन एक सबक इससे यही मिला कि उस गाने को मैंने अपने दोस्तों के लिए लिखा था और वो जो भी मैंने लिखा था वाज स्ट्रेट फ्रॉम द हार एंड ऑफकोर्स मीटर भी एक चीज़ होती है क्योंकि राम संपत ने कंपोज़ किया था गाना तो उस मीटर पर आपको बिठा के रखना पड़ता था और मेरी वकेबुलरी भी आई I मीन mean, मैं कोई शायर वार तो हूँ नहीं लिरिसिस्ट नहीं पता नहीं यार मैं तो वो दिल से लिख दिया था वो गाना और शायद उस वजह से वो जो हमउमर यांगस्टर्स या, या, या जो भी सुनते हैं ना दे कैन कनेक्ट टू इट सो ये भी एक uh, सबक है हम लोग कई बार यू uh, नो you know, ये चीज़ सुन के लोग पागल हो जाएंगे ये मैं इस तरह से करूँगा वो जिद में करते हैं चीज़ें दैट हिट द स्पॉट एज मच एज दैन यू डू विदाउट अल्टीरियर समय कुछ 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 एक को अगर मुझे ये यार मैं अब तक वहाँ उस सवाल पे अटका हुआ हूँ एक ही गाना मैं सुना सकता हूँ उनको आई वुड लाइक टू पास द बेटन मैं चाहूँगा कि मेरे पिताजी का कंपोज किया हुआ कोई गाना जो मैं उनको सुनाऊँ ताकि उनको उनकी दादाजी मेरे जरिए उनकी जो टैलेंट थी या उनकी जो सोच थी वो भी उन तक पहुंचे तो ये ये कर सकता हूँ पता मैंने आपसे पूछा कि आपकी पॉजिटिविटी और खुश आंखों के पीछे क्या छिपा हुआ संघर्ष कम टू रियलाइज इट्स दिस मे बी आई आई सी गॉट माई मदर विद मी ऑल माई लाइफ अफकोर्स इट्स नेवर इनफ एंड नाउ शी इज माई गॉड एंड आई टू हव ऑल द टाइम अब दो ढाई साल हुए यू नो अचानक से एक दिन जस्ट एकदम फाइन परफेक्ट एंड जस्ट सो जिनको भी बताता हूँ कहते कि दिस इज़ यू नो शी मस्ट बी अ गॉड लाइक पर्सन विच शी वॉज शी इज़ नॉट बिकॉज इज माई मादर बट जिन्होंने भी उनसे मिला है तो लेकिन हाँ क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग साथ में ही सुबह उठ के वही आ जाता बैठ जाता था गुड मॉनिंग इधर उधर उनको हंसाने वसाने में लग जाता था रात को सोने से पहले लास्ट थिंग इज़ मीटिंग होम So I think I had a fair share. There is no, uh, but that can be mila wo. So maybe that is it. Maybe Got that on. is it. And uh, and he was uh, for him, It's talent. Itna, such an original composer. What an amazing, uh, uh, you know, human being. He had his flaws, of course. He had probably for the world more flaws than uh, than uh, positives. But for me, I just see the positives. Okay. Um, Tanah ke mein or hai. Hmm. Uh, मुझे याद है जब मैंने पहली बार तनादिल का वीडियो देखा था मैं बच्चा था व्हिच ईयर इट रिलीज इन 2000 सो आई वाज लाइक 7 इयर्स ओल्ड एंड मुझे उसके विजुअल्स भी याद है सेपिया टोन ah, आपके बाल ah, 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 ah. Uh, और आपको देखकर एज अ किड मुझे लगा कि यार इनसे मुझे मोटिवेशन मिल रही है लाइक जस्ट द वे यू एक्टेड इन द वीडियो क्योंकि आई थिंक आप घर छोड़ रहे हो उस वीडियो mm -hmm, में राइट right? mm -hmm. uh, कुछ कुछ एक जेंजीज है जिन्होंने hmm. शायद तना दिल का वीडियो नहीं देखा तो आप hmm. hmm. एक लाइन गा सकते हो ओके आंखों में सपने ली घर से हम चल तो दी जाने ये राहें अब ले जाएंगी कहाँ मिट्टी की खुशबू आए पलकों पे आंसू लाए पलकों पे रह जाएगा यादों का चाह मंजिल नहीं है जाना है कारबार चलना अकेले है यहाँ तन दिल तनहा सफर ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर तनहा दिल वाह <laughs>

तो मोस्ट ऑफ एम टू द यू एस कैनाडा दुबई सब निकल गए सब तो उनकी कहानी मैं इस गाने में डाली भूल जा आपने ब्रेकअप आप के बाद लिखा था क्या नहीं मेरी कभी इस तरह की ब्रेकअप हुई नहीं okay. लेकिन ये भी स्टोरीज ऑफ फ्रेंड्स एंड अदर पीपल एंड मुझे ब्रेकअप का एक ही प्रॉब्लम लगता था कि किसी को ब्रेकअप हुआ है आप उसे और भी दुखी गाने सुनाते हो hmm. कभी एक ही गाना ब्रेकअप पर नहीं बना है जहाँ कोई कहता है कि यार छोड़ना यार यू you नो know? छोड़ दे नॉट वर्थ इट चल आगे निकलते हैं भूल जा जो हुआ उसे भूल जा मुस्कुरा यू नो गेयर ऑन विद लाइफ तो मुझे इस चीज़ सी प्रॉब्लम थी तो मैंने उस वो गाना बनाया जिद में कि ये लोग और कुरे थे और तू खुश रहे तू आबाद रहे मैं तो तेरे यादों में मरता रहूँ अरे क्यों ऐसी बातें कर रहे हो यार नेगेटिव वाली लोगों को वही सुनना था सुनता था वो भी सुन सुन के और भी उन लोग मेरे जो दोस्तों के ब्रेकअप होते थे और और ऐसे ही सैड वाले गाने सुने। अब तेरे बिन <laughs> जी लेंगे हम हम वही जहर ज़िंदगी का अरे हो गया मूव ऑन जैसे ट्रेंड्स आर साइक्लिक, तो से थी। I won't say but था हाँ, लोगों को सैडनेस बहुत देखो वापस वापस सैडनेस अच्छा काफी टाइम से अभी you know, कुछ साल पहले मेरी एक रिलेशनशिप थी uh, hmm. relationship. और रिलेशनशिप में मेरे लिए ah, okay, right? आपको दूसरे इंसान के वर्ल्ड के बारे में पता चलता उनके म्यूजिक चॉइस की वजह से hmm. या यू गेट टू टेल देम डीपर थिंग्स अबाउट योरसेल्फ थ्रू योर म्यूजिक तो आई वुड सी की द गर्ल आई लाइक उनकी म्यूजिक चॉइस बहुत सैड थी और उस रिलेशनशिप के दौरान मैं बहुत फैसिनेटेड था उनके माइंड को लेकर क्योंकि बहुत स्मार्ट थी बट बहुत सैड थी सपोज टू सैड म्यूजिक जिसमें उम्मीद नहीं थी hmm. उस, उनके सारे म्यूजिक में उम्मीद नहीं थी एंड ओवर द कोर्स ऑफ डेटिंग आई बिकेम वेरी सैड एंड सेयरफुल्स मेरे गाने सुनते रहो नो नो ऑफ कोर्स लाइक यू सेड का सी क्योंकि प्यार है भाई हाँ तो उसका आप टीचर तो नहीं बन सकते हो hmm. उसको आप नहीं ये गलत है वो गलत है आप डिसिप्लिनरियन बन जाओगे तो फिर वो प्यार प्यार का मतलब ही क्या रहा लेकिन साथ साथ अगर आपको लगता है कि मैं एक अच्छा इन्फ्लुएंस बन सकता हूँ या मैं आपको कह सकता हूँ ये गाने अच्छा मेरे चॉइस के गाने सुनो बोले यार कितने फेवरेट से गाने हैं इन गानों में कोई देप्ती नहीं है इन गानों में कोई सोच ही नहीं है तो फिर आप समझा सकते हो कि भाई सोच सिर्फ जैसे गजलें होती हैं तो लोगों को लगता है कि गज़लों में गहराई है ऑफकोर्स है, लेकिन गज़लों की एक अमूमन क्वालिटी होती है कि उसमें सैडनेस होती है उसमें सेल्फ अपसेशन होती है उसमें कहीं ना कहीं आप ख़ुद को एक लाइट आप विकिन बनाते हो और सामने वालों को बेवफा बना देते हो सामने वाले को आ, कदर नहीं है मेरी मेरी जो जो, जो, ना और ख़ुद को आप बहुत ट्रैम्पल करते हो उसको कि तेरी एक झलक को फिर मैं मर जाऊँ ये हो जाए वो हो जाए सो so, कहीं ना कहीं दैट प्लेज इन योर साइकी योर सेल्फ एस्टीम इज़ फॉलिंग योर योर खुद के बारे में आपकी सोच जो है ना कि मैं मैं तुझसा हूँ और उसी में शायराना अंदाज दिख रहा है hmm. नहीं डोंट गेट इन टू दैट ट्रिप बिकॉज उसके बाद आपको हर कोई लगेगा कि ये बस मुझको यूज़ कर रहा है ये बस मुझको मतलब क्योंकि आप वो चाहते हैं आपको दुखी होना है तो फिर आप दुखी होंगे बट इट्स अ वेरी डेंजरस स्पाइरल टू गेट इन टू तो एज अ एज अ लवर एज अ फ्रेंड एज अ ब्रदर एज्रदर वी शुड गेट दम आउट ऑफ दैट स्पेस मैंने उनमें हमेशा यह नोटिस किया था कि बहुत ज्यादा सेल्फ पिटी थी अबाउट द होल लाइफ सी सी एम टेलिंग यू सेल्फ पिटी बहुत बढ़ती बहुत है ज़्यादा अगर आप बढ़ती पूरे टाइम सैड सॉन्ग हो ना यू आर सैड सॉन्ग में यू आर एट द रिसीविंग एंड इट्स लाइक आप ऐसा सैड सॉन्ग सुनाओ जहां आप कह रहे हो कि कि मुझे तेरी पड़ी नहीं है <laughs> तुझे तो धोखा दूंगा ये तो सैड hmm. तो नहीं हो सकता सॉरी बहुत अजीब हो गया लेकिन सैड सॉन्ग आप समझ रहे हो सेल्फ है। ये, हाँ बैड स्ट्रोक है ये इट्स hmm. लाइक uh, like, अगर आपका एक बड़ा कट हो गया हाथ पे और वो hmm. कट हील हो रहा है आप कौन सेब को पिक कर रहे करते हैं भाई वो ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं आजकल ये बहुत मेंटल हेल्थ का मैंने एक यू नो तनहा दिल का मैंने तनहा दिल टू पॉइंट वो बनाया मैं प्लीज चाहता हूँ कि आप उस गाने को सुने और उसमें द होल स्टेट ऑफ माइंड ऑफ सम इन बॉडी लाइन डिप्रेशन इज देयर और उसमें उसका समाधान उस कैसे आप उससे निकल सकते हो वो भी है उसमें hmm. और इट्स इन सॉन्ग एंड लिरिक तो अगर आप टाइटली सुने तनहा दिल तनहा सफ़र ढूंढे तुझे फिर ये नज़र मैं खुद जो मैं वो खुश वाला मैं था उसे मैं अभी ढूंढ रहा हूँ तो आई वॉन्ट टू बी दैट पर्सन अगेन तो इस बैटल पर आप गिव अप मत करो मेरे पिताजी ने किया वट हैपन दो छोटे छोटे बच्चे यंग बीबी को छोड़ के चले गए क्या मिला उनको सो मे बी लाइक यू सैर इन द बिगिनिंग ऑफ द थिंग दैट आई है लाइफ इज़ ब्यूटिफुल कुछ भी हो जाए लाइफ इज ब्यूटिफुल सैड सोशल मीडिया अकाउंट्स और सैड गानों को कॉन्शियसली अनफॉलो और अनलाइक करना चाहिए सैड लोगों को अनफॉलो करो सोशल मीडिया पर और सैड गानों को खुद के प्लेलिस्ट से निकालो

डिस्क यार मुझको भूलना है तो मैं ये करूंगा you know, वेल्स दॉडी आप नहीं कर सकते हो क्योंकि फिर एक, एक वो रह जाती है hmm. उस वक्त ही उसको निकाल सकता है लेकिन उस पॉइंट पे अगर आप स्पायरल में चले जाओगे ना दो तो सैड सॉन्ग्स विल टेक यू डाउन विद इट सो डोंट गो दोंट एंजॉय दिस फीलिंग ऑफ सैडनेस और आजकल अगर आप फील कर रहे हो तो आप उसको सोशल मीडिया में आपको डाला है नो no, वो एक पुराना गाना था तुम जो हंसोगे तो दुनिया हंसेगी रोगे तुम तो ना रोएगी दुनिया अभी कितना बदल गया है अभी तो गाना हो गया है ना सुन रहा है ना तू रो रहा हूँ मैं अगर तू नहीं सुन रहा तो मैं नहीं रोऊंगा भाई सो दिस डिस्प्ले ऑफ एवरीथिंग टू पीपल आई एम सैड अरे व्हेन यू आर सैड दैट्स योर प्राइवेट स्पेस कीप इट दैट वे डोन्ट इंडल्ज इन टू सैडनेस एंड लेट ट्वेंटी पीपल नो एंड टर्न दैट इंटू योर पर्सनैलिटी बिकॉज वो हो जाएगा रह जाएगा नो वॉन्ट टू ब्लेम फॉर दैट देन देन आप जाओ थेरेपी करो आप मेडिकेशन लो एंड दीपल हु जेन्यूनली गैर इन टू वॉट यू कॉल मेडिकल डिप्रेशन क्लिनिकल डिप्रेशन यू नो फिर वो बेचारे दे आर नॉट टेकन सीरियसली बिकॉज ऑफ ये जो फैशनेबली सैड हो जाते हैं सो यू नो आर इज क्लिनिकली डिप्रेशन राइट दैट ऑल दिस इज हैपनिंग कोई एक ही बात पर कोई मज़ा आ गया द डिफरेंस इज दैट द डिफरेंट स्पाइक्स ऑफ केमिकल्स इज डिफरेंट विद एवरी वन बैलेंस तो किसी किसी में वो एनजाइटी वाले केमिकल ज़्यादा है किसी किसी में वो डोपामीन वाले लेवल्स कम है तो तो दे गैरिंग टू दैट जोन आफ्टर अटन नेज अटन पॉइंट तो दैट इज अ सीरियस सिचुएशन इट्स अ केमिकल सिचुएशन हाँ एक साइकोलॉजिस्ट आई थी शो पर बहुत सीनियर साइकोलॉजिस्ट है हवोवी हैदराबाद वाला तो उन्होंने mm. मुझे एक बहुत की चीज़ सिखाई थी ह्यूमन माइंड के बारे में mm. तो कहा था कि बैड स्ट्रोक्स होते हैं और गुड स्ट्रोक्स तो मैंने कहा स्ट्रोक्स मतलब क्या तो उन्होंने कहा स्ट्रोक्स ऐसी आदतें होती हैं जो आपके मन को अच्छी लगती है

कई बार मेरे साथ कुछ ट्रैजिक चीज़ भी होती है बट आई कैन नॉट लिव इन दैट लो फीलिंग तो शायद ये गुड स्ट्रोक्स खींच लेता हूँ मैं अपनी तरफ मेरे दो बैड स्ट्रोक्स पहले बताऊंगा hmm. पहले कॉलेज के टाइम नशे और hmm. अनदर बैड स्ट्रोक गुस्सा बहुत गुस्सा होता था वो hmm. अभी भी है थोड़ा बट वो इंटरनलाइज हो गया पर hmm. इस लाइफ के इस फेज में मेरे दो बहुत तगड़े गुड स्ट्रोक्स हैं तीन पहला मेडिटेशन और योगा दूसरा वेट ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स और तीसरा राइटिंग पोएट्री गुड स्ट्रोक है क्योंकि जब आपके इमोशंस पीक आउट हो जाते हैं टर्न इट इनटू वर्ड्स टर्न इट आप कह रहे हो कि दीस आर इनकल्केट गुड हैबिट्स इट लीड्स इट्स इट इट्स अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन योर लाइफ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन ऑन ऑटोमेटिकली हो जाता इट्स इट्स अ कैच 22 मतलब आप आप नेगेटिव हैबिट्स पकड़ोगे तो बैड स्ट्रोक्स मोर नेगेटिव इन मोर पॉजिटिव हैबिट्स पकड़ोगे तो यू नो दैट गेट्स इन अ गुड स्ट्रोक्स व्हिच एक्चुअली

तो वो मुझको वो चीज़ ही नेगेटिव लगती है तो ज़्यादातर मैं जब देखता हूँ रैप आरस अपनी ही पढ़ाई अपनी ही बातें अपनी ही चीज़ें करती हैं तो मुझसे वो एक चीज़ मुझे थोड़ा सा आई uh, एम मुझे उससे पर्सनली आई आई एम अलाउड टू टू लिसन पर्सनलीउ लेस इट मीन दैट आई हैव डिंग अगेंस्ट इट तो मेरा वही प्रॉब्लम है कि वो वो अग्रेसिव हो जाती है चीज़ mm. तो वो मैं मैं क्यों सुन मुझे मैं नहीं, Same. मुझे नहीं सुनना है सेम आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट दैट बट आई डोंट लाइक एनी थिंग दैट इज अग्रेसिव ऐसे कोई पर्टिकुलर आरिस को तो फॉलो नहीं करता हूँ लेकिन अगर जैसे कुछ अच्छा लगता है तो सुनता हूँ फिर बार बार सुनता हूँ एंजॉय दैट तो इंडियन आर में एक आध चीज़ मुझे रफ्तार की अच्छी लगेगी इन दैट स्पीड तो इट्सिंग

मतलब अंदर से खुद की पहचान होनी चाहिए आपकी अपनी चीज़ पे लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी सोचना चाहिए कि ये ज़रूरी है लोगों को सुनाने की यू नो इससे उनको कुछ दे फील बेटर उनको कुछ अच्छा होगा उसका लोग ये भी कहेंगे आपने तो क्या, कमाल कमाल के गाने गाए हैं जिसका कोई सर ना पैर अभी किसी ने बनाया मैंने गा दिया है मैं क्या कर सकता हूँ <laughs> उसके पैसे मिले और मैं घर चले गया यू ऑनेस्टली अगर मेरे ये दो बच्चे नहीं होते ना वन एज ट्वेंटी टू वन एज नाइनटीन दे पुश मी इं टू लॉर्ड ऑफ दिस मी म्यूजिक इवन यू नो देसी रैप हो या यू नो आज के जो आरिस हैं वरना मैं अपने उस उस uh, अपनी दुनिया में खुशी हूँ मैं मुझे बस वही uh, किशोरदासनना है रवि साहब सुनना है, सुनना है uh, मदन मोहन जी के गाने सुनने हैं वाह इन की वजह से मैं ये यू नो एंडस आई एम ओपन टू लिसनि डिफरेंट थिंग्सर थाट की एस्पेशली मेरी जनरेशन के लिए जो मिड टू थाउजेंड में प्री टीन्स थे टीन्स थे, आप हमारे लिए उसी कैटेगरी में हो अब धीरे धीरे बात समझ में आ रही है मैं तो लगा हुआ ना, नया दिन हुआ है आज क्या करूं जो हो चुका है हो चुका है और जब मैं वो गाने सुनता हूँ मेरे मुझे लगता है कि यार कैसे ये, 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 ये ओके कैसे हुए ये टेक्स इससे really? हाँ, इससे इतना ही होगा बेचारा mm. <laughs> क्या हुए mm. like, <laughs> गा देता है है बस यही काफी है। पर इसकी जरूरत है आप अगर हार्ट ब्रेक का भी गाना कर रहे हो ना उसमें उम्मीद होनी चाहिए mm. कि ये खत्म नहीं होना चाहिए और मैं तो देखता हूँ कि रोमांटिक गाने भी लोग ऐसे गाते खत्म बीमारी जैसी लगती है रोमांस रोमांस तो ताकत होती है ना यार कि यार कोई मुझे प्यार करता है मैं किसी को प्यार करता हूँ तो hmm. ये क्यों हो जाता है कि अब बस और नहीं चाहिए अभी दुनिया से मेरा लेना देना नहीं है बस तुम और मैं और और ये प्यार और हमारी एक छोटी सी आपको आपके सबसे रोमांटिक गाने के बारे में पूछा मी अगेन ओपिनियन चांद सिफारिश चांद सिफारिश अरे रे एंड चांदी फारिश वॉज अ बिरलेंज बिरफ स्ट्रगल क्योंकि एक तो बहुत इट वॉज बिग बैन बिग सॉन्ग जतिन ललित की लास्ट फिल्म थी नाई बट वो ऑब्वियसली वो तो बाद में पता चला था एट दैट मोमेंट इट वॉज अबाउट सिंग द सॉन्ग एंड यू नो जतिन ललित जी अबकोर्स यू नो दे ओनली वॉन्ट उनके आप किसी भी गाने को सुनो ना इफ़ यू वॉन्ट टू हियर एनी सिंगर्स बेस्ट परफॉर्मेंस लिसन टू देम जतन ललित दलित डिसेप्टिवली सिंपल गाने होते थे उनके डिसेप्टिवली डिसप्टिवली सिंपल मतलब सुनने के वाले के लिए लगता है कि यार ये सिंपल सा इतना चार लाइन का मुखड़ा है यार ज़्यादा इधर उधर नहीं जा रहा है लेकिन गाते वक्त समझ में आता था बिकॉज देवर और उस जमाने में वो ऑडोटिन वो था भी नहीं एंड देवर वेरी 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 फिनिकी तो मैं कहूँगा बट वेरी पर्टिकुलर कि हमें ऐसे ही चाहिए और कुछ भी करके तुम्हें उस लेवल तक तुम्हें आना ही पड़ेगा हम इससे कम नहीं लेंगे तो uh, और उन वेरिएशन्स भी उनकी अपनी होती हैं वेरिएशन मतलब मतलब जैसे अगर चांद से फार चांद से फारिश चांद से फ़ारश जो भी करें ये तो सब गड़बड़ थे बट वो उनके ना 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 ना, होना है तुझ में फना 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 जो भी करें दैट इज़ अ वेरिएशन ऑफ द सेम वर्ड तो दैट वेरिएशन आल्सो वुड बी डिसाइडेड बाय देम कि नहीं कि अगर अरे निकल आया अरे बहुत अच्छा है इसे रखो वैसे नहीं होता सो दैट्स दैट यू नो आई वाज वाज माय माइंड मोर ऑन मेकिंग श्योर दैट आई डिलीवर व्हाट दे वांट रादर देन एकदम रोमांस में आकर जैसे आप कह रहे थे ना किसी को याद करके फील करके गाओ <laughs> uh, और उस जमाने में क्या था कि आप गाते थे एक माइक था दमन सूद इतने बड़े रिकॉर्डिस्ट थे म्यूजिशंस छः आठ नजरें आप पर इट वेरी डिफिकल्ट टू भूल भाल के अभी क्या रहे होम स्टूडियोज हो रहे हैं आप आराम से अपने बूथ पे हो आप ऐसे कोई कैंडल लगा दिए ये कर दिए वो कर दिए आराम से दिन भर आप गाना गा रहे हो फील ले रहे हो उस टाइम पे स्टूडियो टाइम बहुत ज़रूरी था एंड स्टूडियोज़ वर एक्सपेंसिव तो हमें इतना काम उस टाइम पे मिला था इसलिए नहीं कि हम बहुत कमाल के सिंगर्स थे बट वी वेरी क्विक वहीं जाओ वहीं गाना लिखो सीखो समझो गाओ दो घंटे में घर एवरी इज़ हैप्पी स्टूडियो टाइम बच गया वाह wow.

आई थॉट तो बड़े बड़े गड्ढे होने चाहिए थे hmm. जो कि थे एक वक्त में बट इट इज क्लियरिंग आउट मे बी दिस इज इट चलो किसी और के लिए नहीं खुद के लिए गाते रहूंगा यार <laughs> 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 बाल भी मैंने नाइस नाइस यू आर द सेम शान दैट वी सॉ इन अर्ली 2000स ऑनेस्टली ऐसा लगता है यही तो जवाब मिला मुझे आज मतलब शायद आप कह रहे थे ना कि मैं गा रहा हूं और कुछ थेरेपी जैसा हो रहा है बट हाँ बिकॉज एवरी डे इज़ अ न्यू डे सो मैं कभी uh, मैं खुद कभी सोचता हूँ कि आई मिन माई फोर्टी एंड रियलाइज होता रहे, हो <laughs> <एक अफ्टे में। laughs> रहा है नहीं यार फिफ्टी टू का हो जाऊँगा एक हफ्ते में कैसा लग कैसे हुआ अच्छा लग रहा है भाई बहुत अच्छा लग रहा है आई फील वेरी वेरी ब्लेस्ड आई फील क्योंकि ऑनेस्टली कोई पूछते हैं कि क्या करते हो ये होता है वो होता है आई एम हैप्पी टू एज ग्रेसफुली आई हैव नो प्रॉब्लम परफेक्टली ऑल राइट क्या आवाज़ भी बदल रही है आवाज़ बदल सकती थी एक मेरे साथ बहुत कमाल का एक मैं मेरे गुरु जी उसद गुलाम मुस्फ़ा खास साहब के पास गाना सीखने गया फ्रॉम वही 32 थर्टी टू मैंने कहा था ना थर्टी टू की उम्र में एक एक रेवलेशन सा आया कि नहीं आई हैव टू नाउ प्रो स्टार्ट वर्किंग ऑन माई सेल्फ़ तो जिम शुरू किया और रियाज करना शुरू किया लेकिन मैंने देखा कि स्कैड्यूल ऐसा था कि मैं उनके पास जा नहीं पाता था और फिर उनकी तबीयत जब थोड़ी सी नासाज हुई काफ़ी हद तक नासाज हुई तो उनके जो छोटे बेटे हैं उनको मैं घर बुलाने लगा और वो जो रूटीन शुरू हुआ है ना पिछले छः आठ सालों में दैट हैज़ रियली हेल्प मी कि सुबह उठते ही पहले सारे गा तो दैट हैज़ गिवन माई वॉइस अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी जो कि इस उम्र में बहुत ज़रूरी है उसका क्यों एक नहीं वॉइस की एक डिग्रेडेशन आ जाती है really? अगर आप रेगुलर रियाज़ नहीं करें ना जैसे अगर आप रेगुलर वर्कआउट्स नहीं करते हो सो so इट

करेक्ट 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 तो 44 वाला तो बच गया मेरा अब 66 को बहुत बहुत कभी रैंडम सोशल सिचुएशंस में लोग आपको गाने को कहते हैं शान भाई गा लो ना कुछ ये होता है आपके साथ बहुत ज्यादा हाँ हाउ डू यू फील अबाउट इट अगर आवाज ठीकठाक है तो गा देता हूँ ओके टू या 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 बट वेरी ऑफन यू नो यू हैव हैड अ स्ट्रेन इनस नाइडो व्हाटएवर तो फिर आई पोलाइटली रिफ्यूज पहले पहले फटी आवाज में भी गा देता था लेकिन आजकल वो है ना यार वीडियो कर लिया किसी ने सर 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 वन वन मिनट मिनट <laughs> ओके <साथ> स्टार्ट <laughs> शुरू करता हूं। से नहीं, 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 नहीं यार। तो ये मैं से पहले तो चेहरा जार, है, है मैं तो गा दूँ जैसा भी जो भी हालत है hmm. तो हो जाता है बट okay. ah. फकोर्स ऑफकॉर्स अफकॉर्स मैं तो अगर आप एज एन एग्जाम्पल जगजीत जी यू नो आई फेल्ट हिज वॉइस जस्ट कॉट मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर पर क्यों टाइम ब्यूटिफुलसा सोच, सोच, uh, हाँ, सोच, सोच यानी आपने ये सोच लिया कि मुझे इस तरह से गाना है और मैं फिलहाल यहाँ गा रहा हूँ तो आई हैव पुश्ड माई आई है माई सेल्फ टू साउंड बेटर एंड देट कॉन्ट हैपन ओवर नाइट बट उसके लिए फिर मुझको रियाज करना है और फिर उसके लिए अभी जैसे बीच में एक वक्त आया जब सारे जो सिंगर्स थे काफ़ी हाई रेंज में गा रहे थे और तब तक मुझे कभी हाई रेंज में गाने की जरूरत पड़ी नहीं क्योंकि रोमांटिक फिल्मी गाने होते थे हीरो के गाने होते तो तो हीरो की रेंज एक can, can you show on high range? No. नहीं, मतलब जैसे कि टिलेट नाइन अली टू थाउजेंड से फारिश जो करता हमारी बैक टू द सेम सॉन्ग सुबह 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 वो तो कैलाची ने कहा था उनकी रेंज ऊंची थी तो अब मैं जब शो करने गया तो सुबह अल्लाह सुबहान फट रही आवाज़ क्या करूँ मैं तो ये तो गलत बात है अगर वो कर सकते हैं वो भी तो यूमेन ही है हम भी यूमेन ही हैं तो फिर उस पर रियाज करके देन यू कैन यू कैन इंक्रीज योर रेंज यही तो, आर्टिस्ट्री होती हाँ 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 हा। तो जैसे मैंने ये मैंने जगजीत जी से ही ये सीखा एक मैं जब होस्ट कर रहा था एक शो और मैंने उनको इंट्रोड्यूस करते वक्त कहा कि यू नो गाते तो बहुत हैं लेकिन जो एक गॉड गिफ्टेड आवाज़ जगजीत जी के पास है आम अवज यूज जगजीत जी फैन वो आवाज़ शायद ही किसी और के पास है तो मुझे रोके सोनो ये कहने की क्या जरूरत थी तो ऐसे नहीं नहीं सर ये मुझे लगा ही बींग हम्बल तो मैंने नहीं नहीं सर ये सच्ची बात है आपकी जो आवाज़ है वो नहीं नहीं वो गॉड गिफ्टेड किसने कहा तुम्हें इस आवाज़ पर मैंने ख़ुद मेहनत की है इस आवाज़ को मैंने क्रिएट किया है घंटों बैठा है और मैंने सोचा कि मुझको ऐसी टोनालिटी चाहिए और तब जाके वो आवाज़ मैंने बनाई तो तुम भगवान को क्यों पूरी क्रेडिट दे रहे हो सो so, वो पहले आपकी सोच बनती है फिर उस हिसाब से आप अपने आप की कंडीशनिंग होती है फिर उस हिसाब से आपकी वॉइस होती है

अबाउट ऑटो ट्यून एंड अरिजीत सिंह इंटरव्यू में ये दो सवाल uh, पूछे जाते हैं तब तक तो आई है मतलब जो यर्स ये लोग बोलते थे यू नो वेरी हम्बल वेरी स्वीट वेरी सिंपल कुछ बोलते थे नहीं वो एक, एक खवा है असल में ऐसा नहीं है और बहुत सारी यू नो एवरी वन हैज एयर ओन वो होता ना वो uh, वो कौन सा वो लाइन मैन एंड द एलिफेंट ना तो जिसने जो पकड़ लिया उसको वही लगा कि अरे ये तो पतली पूछ पकड़ लिया किसी ने किसी ने उसका पैर पकड़ लिया तो सो बट आई आई मैरम वेगली वंस एट अ शेरा बंगाली इट वॉज अवार्ड इवनिंग एंड मुझे लगा कि यार बहुत ज्यादा फैन बॉय सा था एक्साइटेड टू सी ऑल द लेजें फ्राम कैलकाटा म्यूजिक इंडस्ट्री बट आई डेंट नो द मच सो so, मैं उनको पूछता था कि ये कौन है वो कौन है क्योंकि मैं तो बम्बई में ही पला बड़ा बढ़ाऊँ सो so, अरे दादा आप नहीं जानते हो अरे वो फला फला उनका वो गाना है ये है वो है सो आई फाउंड दैट सो रिफ्रेशिंग सो अमेजिंग दैट यू नो द पॉइंट दट ये रीच दैन दिस वॉज आई थिंक टू थाउजेंड सेवेंटीन एटीन सो यूज़ ऑलरेडी दी अरिजीत सिंह एंड बींग गि द सेम अवॉर्ड दैट यू आर टूगेदर्स हम दोनों साथ में बैठे थे और वो फोटो ले रहे हैं ये कर रहे हैं वो कर रहे सो आई आई रेडी लव दैट दैट इन देंस दादा एक सेल्फी लूँ तो लाइक <laughs> नेकी और पूछ पूछ मैं बोल रहा था मैं उसके बाद so like like so so you know, वो अपने सेंटर को एक जगह जहाँ था वहीं रखा है और फिर थोड़ा यहाँ स्ट्रेच करके यहाँ कर लेता हूँ बट ही मूव आउट ऑफ दैट स्पेस ग्रेट लेसन टू बी लर्न मतलब उनकी आइडेंटिटी है उनकी ट्रेनिंग ट्रेनिंग वो अपने कंफर्ट लेवल में रहना पसंद करते हैं उसको बदल नहीं रहे हैं लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि एज अ सिंगर ही विल नॉट स्ट्रेच हिज एज सिंगर ही यू नो सुपरली वर्सिटाइल बट एज अ पर्सन ही डजेंट वॉन्ट टू बी एनी वन एल्स बट द पर्सन ही इज तो वो उस ककून में रहते हैं hmm. जैसे मैंने के uh, के साथ आई स्पेंड सो मच टाइम अ वेरी सिमिलर एटीट्यूड कि ये मैं हूँ और ये मुझे पसंद है और इसको मैं बदलना नहीं चाहता यू you नो know, शायद और नाम शहरत दौलत सब कुछ मिल जाए लेकिन मुझे तो मज़ा इसी चीज़ में आ रही तो मैं मैं ऐसे ही रहूँगा यू नो तो दैट दैट इज समथिंग दैट आई आई रियली एन्जॉय एन बी अफकोर्स आई एम बिरफ एन एडवेंचर तो मुझे तो कोई भी एक ही चीज़ में मैं बोर हो जाता हूँ सो वैल आई हैव माई कम्फर्ट जोन आई हेट टू बी इन अ कम्फर्ट्स प्लेस आई लाइक टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स जैसे कभी डांस कर लिया वो झलक दिखला जब मैं जाके पार्टिसिपेंट बन गया कभी यू नो ट्रैकिंग मौका मिले यू नो टू डू सम नॉट फिजिकल मेंटली ऑल्सो ट्राई जस्ट पोजिशन ट्राई डिफरेंट थिंग्स आज कल स्परिचुअलिज्म चल रहा है <laughs> बहुत मुश्किल है कोशिश कर रहा हूँ like, बहुत, बहुत सारे But you get to learn so much from from such people who are so grounded and so, uh, you know, in a way fixated to what they believe के यही मुझे चाहिए तो एक प्योरस्ट की एक प्योरस्ट लिविंग की एक चीज़ आ जाती है वहाँ से अरिजीत सिंह के बारे में पूछना चाहूंगा कि इफ यू पील द लेयर्स एज एन आर्टिस्ट म्यूजिकली स्पीकिंग एग्जैक्टली क्या हो रहा है इसके बारे में पूछा था भाई ने कहा कि उनके गले की तैयारी बहुत ज्यादा है आई थिंक दैट्स शॉट यू अबाउट इन टर्म्स ऑफ हाई पिच नोट्स हाई पिच नोट्स पर कंट्रोल बट एग्जैक्टली क्या हो रहा है अरिजीत सिंह के सिंगिंग में कि गॉड इज ब्लेसिंग इम सो मच हर एक की अप्रोच होती है ना मे बी द वे अरिजीत अप्रोच इज लव सॉन्ग इज़ नॉट द वे आई वुड आइडियली थिंक इट शुड बी अप्रोच बट देर इज एन ऑनिस्टी इन हिज अप्रोच विच इज़ वॉट ही फील्स इट इज़ जिस तरह से वो उसको आई फील के यू नो इतना गदगद कभी लगता है कि यू नो जैसे um, अभी कौन सा एग्जाम्पल ना 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 प्यार करा करा एक पल में सवार बोले इतना सरेंडर किया यार <laughs> इतना सरेंडर किया hmm. एक पल में सवार सवार यू नो एक वो करा तो लगे भी तो मैंने क्या कि तीनों को मिक्स करके अपना बनाया कि कहीं कहीं एक अपना भी एक, एक, एक ना इतना सरेंडर क्यों बट हिज सिंगिंग हैज सरेंडर वो जो भी गाता है ना उसमें लगता है कि वो एकदम विलीन हो गया एंड दैट हैज़ वर्कड फॉर द ऑडियंस दे कैन फील द ट्रूथ इन वट हीज सिंगिंग मे बी इट्स नॉट एक्सप्रेस्ड परफेक्टली एक्सप्रेस द वे यू वॉन्टेड कभी नोट्स उतने क्लिनिकल है नहीं है दैट इज ओके बट द इमोशन इज वेरी ऑनेस्ट तो अगर मैं सोचता यार कभी आवाज़ पट रही है कभी वो क्रैक हो रहा है कभी वो यू नो क्लैरिटी नहीं है सुरों का बट ऑनेस्टी इज देयर एंड ऑनिस्टी इज वॉट इज कम थ्रू हम लोग जब माइक में जाते थे तो दीज बी अलाउड यू योर ओन इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन इज ऑफ दर एंड जस्ट द टेक्निकल म्यूजिशियंस है हमें बस उस तरह से गाना था जैसे अनुजी का गाना है तो मुझे अनुजी की इंटरप्रिटेशन मुझे रखनी है hmm. अगर गाना नदीम uh, श्रवण ने बनाया है तो मैं उनको अनुजी की तरह नहीं गा सकता मेरे तरफ नहीं गा ही से लिख सकता तो वो एक अलग स्कूल था टुडे द टाइमिंग इज़ सच दैट यू आर गिवन दैट काइंड ऑफ फ्रीडम जहाँ आप अपनी वेरिएशंस अपनी स्टाइल की चीज़ें आप रख सकते हो और कंपोज़र एक्सेप्ट कर रहा है सो दैट इज़ बिन अ बिग एडवांटेज एंड ही हैज़ सो मच के वो कर सकता है आई स्पेशली लव द आउट रोज कई गानों में ना जब वो आउट रोज करते हैं ना uh, गाने के एंड में यू you नो know, mm -hmm. वो एक, 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 जैसे कि एक ट्रांस में चले जाता है तो वो चीज़ कमाल की है गॉड

बा, दा 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 बा बा जब आपने अभी बा कहा ना बा बातें करते हैं तो हम जब बात भी करते हैं ना वो भी हमारा एक रेंज एक वोकल रेंज की रियाज हो रही है अगर हम बात करते हैं कुछ लोग बात ही करते हैं इस रेंज में आ, कुछ लोग इस रेंज में बात कर रहे हैं कुछ लोग बात ही करते हैं इस रेंज में हाँ <laughs> और मैं बात ही करता हूं इस रेंज में तो मैं अगर इस रेंज में बात करता हूं तो मेरे गाने भी इसी रेंज में होंगे क्योंकि इस रेंज की रियाज मेरी हो रही है mm. तो आपकी एक मिड टोन जो है ना दैट इज द मोस्ट आइडियल टोन टू बी अ सिंगर एट तो देन यू स्ट्रेच यू नो वन ऑक्टिव हायर वन ऑक्टिव लोअर एंड दैट इज योर रेंज सो देखिए यही है कि आप अगर डिसाइड करो ना कि बिकॉज सी दिस इज नॉट योर करियर दिस इज दिस इज योर पैशन टू पुट आउट समथिंग तो उसमें आप इसमें उलझ मत जाओ कि लोग समझ पाएंगे कि नहीं पाएंगे बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अनलेस यूर लुकिंग फॉर द नंबर्स लाइक एफ यूर प्रोफेशनल लुकिंग फॉर नंबर्स यू गेट कंपेरेटिव नॉट लुकिंग फॉर द नंबर्स देन दअ विल भी और स्पेशली हम इंडियंस हमारी एडवांटेज ये है कि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और हमारे इस भाषा को इतने लोग पसंद करते हैं पसंद करते हैं, मतलब जानते हैं हिंदी भाषी इतने हैं दुनिया में तो दैट इज़ अ ह्यूज एडवांटेज तो उसमें से इवन इफ 0.0003 अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टू से यू स्टिल हैव अ बिग नंबर एक सुनाओ कुछ सुनाओ कुछ एक सुनाओ हाँ 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 बिल्कुल जब से तेरे नैना <laughs> नहीं आपका ओरिजिनल हाँ oh. <laughs> मेरा ओरिजिनल <आज्यों, original>. <laughs> मेरा ओरिजिनल nope. मुझे याद नहीं मैंने बस लिखा है तो फिर जब से तेरे नैना सुना दो जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लग गए क्या बात है तब से दीवाना हुआ सबसे बेगाना हुआ रब भी दीवाना लागे दीवाना लागे रे रब भी। हाँ <laughs> 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 थोड़ा सा दीवाना पर ना हो तो फिर सिंगिंग या कोई भी क्रिएटिव आर्ट मुश्किल होता है यू हैव टू ब्रेक द शाइकल्स ऑफ इनबिशन एंड ये सोचना कि लोग क्या सोच रहे हैं उसको तो आपको तोड़ना ही पड़ेगा ओके okay, एक वन ओ वन म्यूजिकल करियर का गेम uh, प्लान बनाना आपके साथ फॉर एग्जाम्पल मुझे म्यूज़िक uh, प्रोफेशनल्स के बारे में अब ये पता है कि सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल रहता है किसी के करियर की शुरुआत में क्योंकि म्यूज़िक की पब्लिसिटी हो रही है शॉर्ट कॉन्टेंट के थ्रू रील्स शॉर्ट्स वगैरह Uh, तो जिस तरह के लिरिक्स आप सिलेक्ट करते हो खुद के लिए जिस तरह के मेलोडीज आप सिलेक्ट करते हो इट शुड बी रियल फ्रेंडली एंड सोशल मीडिया फ्रेंडली कि एक थर्टी सेकेंड पीक होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है वगैरह वगैरह बट दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग एज अ सोशल मीडिया प्रोफेशनल आई एम हंड्रेड परसेंट श्योर कि जो हमने उस इमारत के बारे में बात करी थी कि एक ट्रेनिंग होनी चाहिए उसके ऊपर mm -hmm. आपकी खुद की इमोशनल जर्नी होनी चाहिए mm -hmm. वो डेफिनेटली है बट एक प्रोफेशनल परस्पेक्टिव से रेलिवेंस हाँ की रेलिवेंस

रियली really? हाँ क्योंकि आ, कोई शोर शोट फॉर्मूला नहीं है आपने कहा थे इट्स इट्स मैथ बट इट्स इट्स नॉट 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 रियली मैथ और आ, अगर आपने उस रस्ते में आपने डिसाइड किया कि मुझको प्रोफेशनली सक्सेस चाहिए तो उस हिसाब से मैं ये 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 रास्ता अपनाऊँगा और ये हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग चांस कि नहीं हो अगर नहीं होता है यू आर लेफ्ट विथ नथिंग आपने एक हवा महल बनाया जो कि वहां पहुंच गया और फिर थस करके गिर गया इमेजिन के हो जाता है इवन मोर डेंजरस क्योंकि वो एक दो तीन भेन पब्लिक विल मूव ऑन बट यू आर ओवर ऑफर आप आप ना उतर सकते हो ना आप चढ़ सकते हो आप लेकिन अगर आपने अपनी नींव बनाई आपको वाकई संगीत से म्यूजिक से सच्चाई से प्यार है तो आप अपने लिए वो चीज़ करेंगे और वो चीज़ जो है वो विद्या कहे उसे या उसे फाउंडेशन कहे वो आपसे कोई नहीं ले जा सकता वो आपकी अपनी विरासत है अपनी चीज़ है जिसपे आपको नाज है आपको गुरूर तो नहीं कहूँगा लेकिन घमंड भी नहीं कहूँगा लेकिन आप आप जानते हो कि ये मेरा है मैं ये हूँ अब आपको ये बात समझ में आई नहीं या फिर किसी और को आ, मुझ पर आ, मतलब उतना यकीन नहीं आ रहा है वो अलग बात है तो मैं और तैयारी अपनी करते रहूंगा बट लॉन्ग टर्म में दैट इज डेफिनेटली गोन वर्क और जिस दिन आपको ऑडियंस मिल जाती है दैट ऑडियंस इज विथ यू फॉर लाइफ सो दोज हु हैव दैट यू नो वन मंथ थ्री मंथ्स टू ईयर्स फाइव ईयर्स का एक रन होता है एंड यू हैव टू गो एंड मीट दैम नाउ मतलब यू लेफ्ट नथिंग सो दैट इज अ डेंजरसाइज इज डेंजरस तो ऐसा कोई फिक्स गेम प्लान नहीं है नहीं हो सकता नहीं हो सकता इट्स ऑलवेज इफ यू लुक एट द बिगेस्ट हिट इट्स एक्सीडेंटल और उसके बाद उसी तरह का गाना फिर कोई और बनाता है नहीं चला वो खुद बनाता है नहीं चला देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स यू नो और फिर अचानक से आप आपने लाइव शो भी किया आपके पास यू नो टेन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड ऑडियंस इन थ्री ईयर्स यू नो वे कोई और आ गया है वही चीज कर रहा है और लोग वहाँ चले गए बट इफ यू हैव योर ओन दिसिंग इवन इफ द ग्रोथ इज स्लो

I'm gonna use this line. Wiki Foundation. I got <laughs> it from That's a good one. <laughs> it's from Sonu Bhaiya. <laughs> Thank you, Sonu bhaiya. But slow growth is strong growth. This is the real truth. So do not get frustrated. Do not get um stick to your guns. Do what you think works for you. For you as an audience. Do that as a content creator. Um, ये वाली कॉन्वर्सेशन जो अब होने वाली ये शो पर बहुत ज्यादा होती है फ्लो hmm. स्टेट के बारे में बट mm बेसिकली -hmm. आप कोई हायर डायमेंशन में टैप इन कर रो वहाँ से डाउनलोड्स कर रो दैट्स वो हरकतें होते हैं में, uh, mm -hmm. लेकिन आपके तो साथ कभी नहीं हुआ है

कैच uh, कर लिया आपने ट्रांसमिशन ये मैं uh, सारे म्यूजिशियंस के बारे में मानता हूँ यू आर देन लॉन्स ट्रांस वो मेरे साथ कभी नहीं हुआ लाइक लाइक यू आर सेंग यो देट रोज आप बैठोगे और वो ट्रांस पर जाओगे वो नहीं हो पाएगा या हर शो में आप ट्रांस में चले गए सो आई थिंक डेज फॉर दैट यू हैव टू बेसिकली खुद को खाली करना पड़ेगा मे बी माई प्रॉब्लम इज के मैं वो रिसीव करने के लिए जगह बनानी पड़ती है ना बट इज़ टू मच क्लटर इन माई हेड तो आजकल मैं थोड़ा मेडिटेशन और <laughs> करने की कोशिश कर रहा हूँ माइंड सारा इधर उधर इधर उधर भागते रहता है सो आई एम ट्राइंग टू गेट दर कॉन्स्टेंट मैंने वो बहुत अच्छा पढ़ा इज़ वेरी गुड ये जो इंटरनेट में मिलते रहता है ना जब इनको पूछा गया जॉको को पूछा गया समथिंग यू वॉन्ट टॉक अबाउट ओलंपिक्स के पहले उनका एक इंटरव्यू आया था So suddenly he mentioned something very, I thought he'd say the typical thing, you know, work hard, practice, be sure. Mujhe mm -hmm. laga tha, bolenge. practice constant breathing. so constant breathing When you're doing this, your mind is not in the past or in the future. Just. It is in the present. Hmm. So if you can do this for a while, so that nanosecond between leaving the breath and getting the breath, you're blanking away. That is when, apki receptors hai wo, खुल रही हैं एंड यू नो योर योर माइंड इज क्लीनिंग द क्लाटस सो वैन यू आर प्लेइंग मे बी बिटवीन अ सेट ही डज दैट सो इट डजेंट मैटर कि ही इज लॉस द प्रीवियस सेट और ही इज स्टायर्ड इज ही स्टार्टिंग अ फ्रेश अगेन कुछ तो होगा नो हाउ ही यूज इट बट इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग थियोरी थिंक ये हर प्रोफेशन में अप्लाई होता है हाँ फ्रॉम द आउटसाइड लुकिंग इन ऐसा लगता है कि आप जैसे सिंगर्स के लिए पुटिंग सोनू सोनूसोर इन द सेम ब्रैकेट या रहमान द सेम ब्रैकेट ये ईजी होता होगा आपको बस जाके वहाँ गाना है बट आई एम श्योर इट्स वेरी डिफरेंट फ्राम लर्निंग फ्राम ऑल दीज पीपल मैं उनसे बहुत कुछ सीखते रहता हूँ और ये फोकस वाली बात मैंने हमारे सोनू भैया में देखा है वो मुझे शान भैया बुलाते मैं उनको सोनू भैया <laughs> मैं तो सोनू ही बुलाता है मुझसे छोटे हैं ना भैया बुलाऊँ बटकोर्स पब्लिकली आफ्टर फ्रॉम हिम क्या नो इज़ इन द मोमेंट जब वो एक चीज कर रहे हैं ना तो ही इज नॉट

और फिर डिसाइड करते हैं कि मुझे ये करना है नहीं करना है तो वो चीज़ मुझे लगा था कि मैं उनसे बहुत टेक्निकल चीज़ें सीखूंगा मैंने देखा नहीं उल्टा हो गया मैं कुछ कहता था कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन वॉट डू यू मीन बाई देट ये कमाल है ये ये तो उनको कब का उनको पता होता बट ही इज़ लाइक अ स्पॉन्ज पुलिंग आउट यू नो इन्फॉर्मेशन थिंग्स एंड आई एम श्योर इज़ अप्लाइंग इट फालतू मेरे ज़्यादातर बातें फालतू ही होती होंगी बट बट ही स्टिल लाइक अ स्टूडेंट पिकिंग अप व्हाट ही वांट्स बट सामने से बहुत कम रखते हैं इसे थोड़ा सा एक्सपैंड करें इस थॉट को <laughs> आ, आपने कहा कि वो आपको रोक के पूछ रहे थे कुछ चीज़ों के बारे में <laughs> <थे। laughs> चीज़ें क्या थी जैसे एक बार मैं किसी को कहा कि आप जो आप हेड वॉइस यूज करी हैं तो यू नो ट्राई टू यूज मोर चेस्ट वॉइस यू विल गेट मोर प्रोजेक्शन इज हेड वॉइस चेस्ट वॉइस सो तो फिर मैंने उनको वो एक्सप्लेन किया कि टोन है ये है वो है तो मुझे लगता है कि ही प्रॉब्ली न्यू दैट बट ही स्टिल वॉन्ट टू गेट अ परस्पेक्टिव एक बार एक क्लासिकल uh, के दिग्गज पंडित अजय पोंकर जी आए थे उसी शो में तो आके उनके पास बैठे और फिर कुछ वो एक्सप्लेन जैसे करने लगे तो रेमान सर ने कहा कि कैन वी जस्ट टेक अ ट्वेंटी मिनट शॉर्ट ब्रेक तो आई था मे बी ही वॉन्ट्स टू यू नो मल्टी टास्किंग डूंग सो मनी थिंग्स ही वॉन्ट्स टू मेक सम कॉल्स और यू नो जस्ट जनरली चिल या कुछ था वो पंडित जी को अपने पास बुलाए मतलब बाजू में बैठे थे बट यू टू का ब्रेक नहीं पंडित जी टेल मी व्हाट आर द राग यू फील दैट हैव नॉट बीन एक्सप्लोर्ड इन इन यू नो कमर्शियल फिल्म म्यूजिक विच यू फील कैन बी एक्सप्लोर बेटर पंडित जी बहुत बहुत प्यार से उनको ब, मुझे याद भी है उन्होंने ललित थोड़ी ऐसा कुछ कहा था यू नो देव वेरी डिफरेंट कलर एंड यू शूड सी हाउ यू कैन यूज दैमी मैं दरबारी भी है but, no, बट दिस इज इंटरेस्टिंग ओके यू फील आई कैन यूज थोड़ी सो वो पूरा डिस्कशन किए एंड देन आफ्टर वो लेट्स रिज्यूम सो एट दैट टाइम आई वॉज अमेज दैट दैट स्टूडेंटशिप इज कंटिन्यूअस इन अब हाँ एंड फॉर द राइट मतलब सीकिंग दिस इज इन अ वे अ मोर स्पिरिचुअल वे ऑफ थिंकिंग ना बिकॉज मोर प्योरेस्ट वे ऑफ थिंकिंग आपको रागाज यूज करने हैं इन फिल्म म्यूजिक यू लर्न सो मच फ्रॉम फ्रॉम

ओके okay. hmm. uh, और फिर से सॉरी डिस्क्लेमर uh, होता है ना मैं जो कह रहा हूँ यू डोंट हैव टू अग्री टू इट एट ऑल मैं आरी. कभी कल को पता चला मैं खुद अपनी बात से अग्री नहीं कर रहा हूं वी आर कॉन्स्टेंटली मूविंग हम तो पानी की तरह है, हम रुकना थोड़ी है तो फिलहाल जो मुझे लग रहा है एलटेल जी जी प्रीतम दा प्रीतम दा इज यू uh, नो you द know, अमेजिंग थिंग प्रीतम दा को खुद नहीं पता है कि प्रीतम यू नो वॉट नाइस इज दैट ही इज डीलिंग विद द मोमेंट इस मोमेंट में मुझे मैं कैसे निकल जाऊं और उस इसमें कैसे उनमें वो वो ट्यून्स आती है वो थॉट्स आती है कैसे वो क्रिएट करते हैं वो मुझे देखना है बिकॉज आई ऑफर सीन एम वर्क बट वेन ऑफ आई एम सींगम दैर इज़ अ सिचुएशन एंड प्रीतम दास डीलिंग विद दैट सिचुएशन एट दैट पॉइंट बिकॉज यू नो ही इज़ सो मच इन डिमांड ही सच अ ऑल्सो इज अ पीपल्स पर्सन यू नो यू कैन बिल्ड अ कासल एंड सिट दर क्वाइटली यू नो आर मीट एम बाई अपॉइंटमेंट सो उटउट हिमकोर्स आई मीन यू नो उनके पास बहुत ज्यादा जियो पोलिटिकल नॉलेज है <laughs> जियो पोलिटिकल ही साउंड एंजीनियर नॉट एज अम्पोजर तो वो है जियो पोलिटिकल नॉलेज तो वो वो शुड जनरलाइज बट वो थोड़ा बंगालियों में वो थोड़ा सा है

दादा यू आर देर टू डे यू आर द टॉप ये गाना पास हो जाए मेरा पीछे पड़े मैं आई लेकिन मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ उनको मुझे प्रोजेक्ट नहीं करना है अच्छा कर देता हूँ मतलब एक्ट चल रहा है उनका पीपल्स पर्सन टेन आर्टिस्ट Yet yeah, he's he's, he's, he's he, you know self uh, you know within so many things he's trying to find his, his space and of course you know all work and no play he also wants to enjoy life also so um, but so little time and so much to do. That was my understanding. I was amazed that he taken his health and his uh, his weight uh, you know as priority now and. Uh,

Because he's a singer, he does all those songs down south and Hindi. Of course, being a composer, being a live act, he has so many different live acts. It's not only Shankar Asan He's also got Shankar Mahadevan. He's also got you know uh, the the fusion uh, uh, Shakti. So, and he's a family person like anything. He's a foodie like you cannot imagine. Um, he's a masti like you cannot imagine, and Sari sabkuch ke aage cool as a cucumber will not be flustered at any point with anything so for me i mean i haven't seen someone who can be so calm so controlled and yet enjoying the moment as shankar so guru i so that is something uh, which is amazing i don't know whether he i don't think he meditates also i don't know what he does he does something which is fantastic. I I And I figured time is So he get some rest. This is good enough. But I've yeah. seen him travel, come back, three hours rest, singing, killing it. Asan again is someone that I know for many, 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 many years, and a very true person. You, what you see is what you get. He is what I know of him.

कोई बड़ा गाना मिले आई फील नाइस तो लॉय मुझे पूछने लगे कि आई फिलोसोफर्स बिकॉज लॉयजनी लाइक दैट तो इसी जब तुमसे कोई ऑफ कोर्स हम इंग्लिश में ही बात करते हैं लेकिन मैं हिंदी में कहता हूँ कि जब कोई तुम्हें से मिलता है कोई फ़ैन मिलता है कोई बुज़ुर्ग फैन मिलता है कोई मिलता है तो क्या कहता है ये कहता है कि तुम्हारे पास कोई गाने नहीं हैं या फिर uh, आजकल गाते क्यों नहीं हो तो एक आध लेकिन ज़्यादातर तो वही कहते हैं कि यार आपके गाने सुन के हम बड़े हुए हैं आपके यू नो इवन एल्डरली पर्सन तुम्हारे गाने से मुझे बहुत सुकून मिलता है ये बोलता है तो ये बोलो मिलता है ना ये ये तो नहीं कहते ना कि तुम गाते क्यों नहीं हो तुम्हारे गाने क्यों नहीं आ रहे हैं तो तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करो कि तुमने इतने गाने गाए हैं और लोग तुम्हें इतना पसंद करते हैं तुम जहाँ भी जाते हो लोग तुम्हें तो तब तो मुझे लग रहा है मुझे टालने के लिए ये कह रहे हैं कि तो इसमें खुश रहूँ मैं तुम्हें एक नया गाना नहीं दूँगा लेकिन इस बात में भी दम थी कि जितना मिला है संतुष्टि एक बहुत बहुत एक एक स्किल है एक लाइफ स्किल hmm. है wow. संतुष्टि लाना तो वो मुझे उस दिन उन्होंने बताया कि यू नो हैव ग्रेटिट्यूड फॉर दैट संतुष्टि एक लाइफ स्किल है हाँ हाँ wow. उसको ये आसानी से नहीं आती है खुद को रिमाइंड करना पड़ता है वाह wow. कि ये मैंने अभ, अभी अभी आई है ये चीज संतुष्टि यू यू इट इट बट फ्रॉम व्हेन लॉय टोल्ड मी दैट एट फराद पार्टी

आप गाने को पहली बार सुनोगे ना तो उतना वो धीरे धीरे कब आपके सिस्टम में चले जाता है और फिर वो गाना बन जाता है कि जेंजी कितना उस एल्बम को सुनती है बट उनकी फॉर मी ऑल टाइम फेवरेट एल्बम कलो नाउ क्लोज सेकंड कभी अलविदा ना कहना जो पियानो रिफ है तुम ही देखो ना. ब्रेक इट डाउन बट आई मीन ऑल ऑफ द साउंड ट्रैक्स नहीं कि एक ही गाना आपको अच्छा मिला या दो गाने आपको अच्छे मिले या कोई गाना ऐसा ही था अगर वो गाना आपको तब फर्स्ट इयरिंग में जैसे धक धग धक चूड़ियाँ मुझे <laughs> पहली बार सुना तो मुझे लगा ये यार ये क्या हो गया अचानक से वो ड ड अचानक से वो यू नो कॉड चेंज हो जाता है वो स्केल चेंज हो जाता है वहाँ तो मैं ऐसा क्यों किया तो मैंने एक मिनट रुको दिस इज अ बाय हसन बंकर आई हैव टू गेट इट इट इफ आई एम नॉट गेटिंग इट इट्स नॉट देर फॉल्ट इट्स माई फॉल्ट मुझे सुनना पड़ेगा एंड नाउ यू सी इट्स अ मैसेव इट एंड इट स्टिल हैज दैट कैजनेस एंड दैट फन अब कमाल uh, का uh, ka गाना पर एक सिंगर और एक कंपोजर के बीच एनर्जी क्या होती है एंड यहाँ तीन कंपोजर हैं वो आर ऑल वर्किंग एज वन तो आई थिंक बिकॉज फॉर वोकलिस्ट्स वी एनकाउंटर शंकर मोह बिकॉज ही मोस्टली ही इज देयर फॉर द वोकल टेक ओके एंड शंकर प्रॉब्लम एक ही है कि आपने सेटल हुआ नहीं या और गाना हो गया तो कभी कभार गाना रिकॉर्ड होता है मैं सुनता हूँ बोलता ये हमने गाया कब मुझे याद ही नहीं आ रहा

अनुजी का शो था तो शो करके मैं थोड़ा शो वाले कपड़े वपड़े और थोड़ा सा चेहरे पे कुछ डाल के आया होगा एंड तो आई टोल्ड uh, शंकर भाई के थोड़ा लेट पहुँचूंगा वो एक शो अरे कोई नहीं तो आ जा तब तक हम लोग कुछ और करेंगे मैं पकड़ के रखूँगा सबको तो आज आराम से आज तो कुछ ऐसे ग्यारह बजे मैं गया हुआ सो आई थॉट टिपिकली यू नो जनरली जैनलीम एंड एस एन इंजीनियर यू नो मे बी एक आध और लाइव म्यूजिशन को सिंगर करण जोहर जावेद साहब सब बैठे हैं और सब इंतजार कर रहे हैं आई आई एम फीलिंग सो अरे वो सब बोलता तू तेरा शो नहीं होता ना ठीक से आ जा भी घर हो जाएंगे क्या बात है आप तो पार्टी के आउटफिट में आए हो पार्टी का गाना गाने के लिए सो एंड नो बिकॉज ऑल ऑफ दर सो अदरवाइज उनके गाने कब होते हैं कब रिकॉर्ड होता है यानी सो फास्ट एंड ऑफकोर्स जब मेरी आवाज़ फटी आवाज़ है तो टेंशन ज़्यादा ही हो जाता है बट देन ही रिमाइंड मी अरे तू करना अपने पुशअप्स करना क्योंकि <laughs> डॉन के पहले ना वो गाला गला मेरा फटा हट जस्ट कम बैक फ्रॉम गोवा स्ट्रेट तो मैं वो, दुनिया में लोगों ने वो सब बोल रहा था डॉन जब बोल रहा था मैं <laughs> पर बोल रहा है ये कैसा डॉन है यार <laughs> फटी आवाज लेके डॉन तो said, एक मिनट जैसे करके माइक पे आऊंगा ना वो लाइन ले लेना तो क्या होता है यू का लिटिल है पता नहीं साइकोलॉजिकल 20 पुशअप मारा खड़ा हो गया डॉन ये तो तो सेड आज अरे कुछ नहीं तो पुशअप करके कर लेगा <laughs>

ना समझ ना दैट सॉन्ग वो तो हां मतलब I चलते रहो टाइप हां अह वो कहां सेड सिसकियां लेते हुए कोई सैड सॉन्ग है ही नहीं मेरा थ्री इडियट्स मैं मैती हवा नहीं नहीं वो तो वो तो नॉस्टैल्जिया uh, है ओके इनफैक्ट नो वो भी सैड नहीं सैड में सैड में हां एक था अह uh, कांटे समर गए लाश का सीन था ना ये क्या हो गया रवारे ये <laughs> क्या हो गया मौला रे रो भी मुझे सैड नहीं लगा सिचुएशन <laughs> लगा कि सब मर गया अभी क्या करें संजय दत्त के साथ गाया था वो आपने वजीन उसका दिया दो मान यार वजीन स्टूडियो में थी वजी यार आई थिंक थोड़ा सा ऊपर चढ़ा गए नो आई डोंट थिंक आई वाज देयर व्हेन ही डब्ड हिज लाइंस नो मैं इसलिए ज्यादा रुक गया क्योंकि संजय के साथ मैंने और एक ऐसा किया था। गेम हो तो नेम हो ऐसा कुछ और भी ऐसा किया था कोई ऐसा गाना जहाँ वी सैंग डू एट बट आई थिंक मे बी इन दैट रिकॉर्डिंग आई सैम सिंग नॉट फॉर दिस वन सॉरी आप कुछ और कह रहे थे कैन टॉक अबाउट संजय दास ऑल्सो आई नो आई सॉ हिज होल पॉडकास्ट विथ यू है शिव जी के वक्त आई गॉट टू नो वेरी वेरी ओपन पॉडकास्ट हाँ जो था वो था सुपर मैडम रिसेंटली ऑल्सो लुकिंग सो गुड है उदित जी तो

I mean, there are you can. मैं ऐसा क्यों हूँ? मैं ऐसा क्यों हूँ? But he wanted. मैं ऐसा क्यों हूँ? मैं ऐसा क्यों हूँ? The swing. मैं ऐसा क्यों हूँ? मैं जैसा हूँ? मैं वैसा क्यों? मैं जैसा हूँ? नहीं. मैं जै. तो सब बस वो swing आ गया बोला done. पकड़ लिया तूने. अभी गा दे गाना. फिर हो गया. Okay. Next artist. विशाल शेखर विशाल शेखर again, again. Uh, विशाल शेखर फ्रॉम द बिगिनिंग न्यू के यार उसको फिल्मी मत कर सिंग इट मोर लाइक अ सॉन्ग डोंट हीरो उतना स्पेशली विशाल ब्रो रो ताय चार 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 फिल्मी हो गया क्या थोड़ा सा फर्स्ट यू नो ब्रेक एज अ कंपोजर आई वॉज इज सिंगर माई फर्स्ट ब्रेक एजर ज माई फर्स्ट एजर सोलो कम्पोजर एंड शेखर आई नो फॉम मेनी मैनीयर्स इवन बिफोर दैट बिकॉज शेखर इज डैड हीज बैठक शोज जहाँ माई सिस्टर एंड मी वी सिंग एंड शेखर वुड ऑल्सो सिंग बट प्ले द कीबोर्ड ऑल्सो विथ अस तो यू नो बैठक शोज होते इतने एरिया में भी हम शो कर लेते थे वो गद्दा लगते थे उस पर हम लोग बैठे हैं, वो किताब उताब खोले और वो पुराने पुराने गाने हम लोग वो गाते थे पर दोनों तो, की साथ में खासियत क्या है दोनों की साथ की खासियत इज दे दोनों वैसे बहुत अलग हैं एंड बट uh, दोनों को काम आता है तो दोनों को अपने ऊपर जो बोथ अ वेरी कॉन्फिडेंट ह्यूमन बींग्स दैट इज़ अ वन कॉमन थिंग अदरवाइज आर वेरी डिफरेंट यू नो दे मे बी देर टेस्ट एंड लाइफ स्टाइल वेरी डिफरेंट बट हम दोनों मस्ती को और भी हैं ये भी एक कॉमन है और मेरे ऊपर बहुत भारे इन्होंने मस्तियाँ भी किए हैं बिकॉज यू नो वी मोर लाइक फ्रेंड्स वी सैलर ऑफ टुगेदर आई नो शेखर फ्रॉम यू नो ही वॉज फॉर फोर्टीन सो यू नो सो दादा दादा शेखर वी डिफरेंट वाई बार बहुत मज़ा आता है बहुत मजा आता है सो द वर्क वॉज ऑलवेज फन वर्क वॉज ने स्ट्रेस उन्हें सक्सेस उनके आपस के कॉन्ट्रास्ट की वजह से मिला सक्सेस नहीं फॉर मेकिंग ग्रेट म्यूजिक। आई मीन नो उस टाइम पे यू हैड द स्टॉलवर्ड्स, यू हैड यू नो वी सिंग जतन दलित बट ऑल्सो टिल टू थाउजेंड सिक्स वर एक्टिवली मेकिंग म्यूजिक फॉर द टॉप यशराज बैनर्स यू हैड यू नो अनुजी, नदीम श्रवण जी यू हैड सीनियर्स राजेश रोशन जी विजॉल देर आनंद मिलन जी विजाउ उस बीच में दे के एम इन चंकर के मिन रेहमान वॉज देयर प्रीतम वॉज देव आर ऑल अराउंड द सेम टाइम सो ओनली गुड वर्क कुड मेक यू स्टैंड आउट वो मेरे लिए बेस्ट फेज ऑफ इंडियन फिल्म म्यूजिकॉट दर पार्ट ऑफ इट बट आई रियली थिंक के यू नो जो टेक्निकल चेंजेस आए इन देंस दैट यू नो प्रोग्रामिंग एंड सॉन्ग प्रोड्यूसिंग बी केम अ बिग थिंग थैंक्स टू सलीम सलेमान हुर एक्चुअली हमें इसके वो खुद कंपोज भी करते थे और प्रोड्यूस भी करते थे दूसरे कंपोजर्स के लिए सो लाइक जतिन ललित द होल साउंड ट्रैक ऑफ फना वॉज प्रोड्यूस्ड बाय सलीम सलेमान वाल दे वर ऑलरेडी डूइंग सेम टाइम सो यू नो आई थिंको नॉज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाई दैम फॉर सो दे ब्रॉट इन दैट स्लिकनेस एंड दैट साउंडर्स रेमान के मॉन टू जो सो यू नो ही ऑल्सो पुश्ड दैट दैट ब्रैकेट Yeah, ja, you know, you you mix live music and uh, programmed music. So, or all that what happened was technically, or so to say, the digital uh, enhancement was just enough. That uh, you should know what you're doing, and digital enhancement will help you that much. Hmm. So it was being used very skillfully. But at some point, we became slave to. डिजिटाइजेशन एंड डिजिटल थिंग्स यू नो फिर देन वॉट है जो लूप्स है जो रेडी जो स्पेस है उस प्लाइस में आपको मिल रहा है जो भी यू नो इवन प्रोग्रामिंग अपर पीपल्स साउंडर एंड ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है कि ड्रिवन बाई डेटा जो ऑलरेडी है उसको आप अपने हिसाब से यूज कर रहे हो लेकिन दिस वॉज अ पॉइंट वन यू आर क्रिएटिंग एंड गेटिंग स्टफ एनहस थ्रू दैट फ्रेशनेस हाँ तो ऑडिट

यू नो लॉर्ड ऑफ प्लेजरिज्म वॉज गोइंग ऑन द एटीज़ अ लॉर्ड ऑफ जो 90s में भी हुआ बट द इंडियन इज स्टार्ट कमिंग इन टू दोसाइटीजो आई थिंक थैंक्स टू मूवीज़ लाइक यू नो जो राश्री फिल्म जैट एडिशन ये सब आने लगे तो फिर यू नो द तबला वो सब वापस आ गया एंड नाइन्टीज लेकिन थोड़ा सेवेंटीज़ हुआ तो इन अ वे इट वॉज सेवेंटीज़ लेकिन थोड़ा रिग्रेसिव था बट दैन टू थाउजेंड के मेन इट बिकेम वेरी मॉडर्न वेरी कूल फिल्म ऑल्सो सब ये यू नो फिल्म की शूटिंग्स हो रही है न्यूयॉर्क में लंदन में ऑस्ट्रेलिया में सो

एंड वुड बी सेलिब्रेटेड लाइक दैट कि यार शंकर एहसान लॉय की एल्बम है ये या ये ए आर रहमान की एल्बम है या अनू मलिक के एलबम है लाइक इट वॉज अ लॉट मोर सेलिब्रेटेड अब आई बिलीव करेक्ट मी फ्रॉम रोंग पर एक कंपोजर को पूरी एल्बम अक्सर नहीं दी जाती हाँ आई मीन कुछ फिल्में तो ऐसी हुई हैं एंड देव सीन सक्सेस आई मीन एनिमल नॉट जस्ट एज और साउंड ट्रैकोजर गॉड सक्सेस but uh, at the same time you have individual composers who have given a whole album of great songs so wo bhi hua hai but that was the time when it was a cardinal rule a cardinal sin to do that aapne composer ko decide kar liya hai then the composer because you have cast the composer the composer will give you their spin on the music ab kya ho gaya hai ki ek aapne composer को लिया लेकिन कह रहे लेकिन मुझे म्यूजिक उस तरह का चाहिए hmm. तो बेचारा कंपोजर भी कंफ्यूज हो रहा है कि you know, क्या करें

I struggle as an editor to use modern songs. They don't suit. They they're not as powerful in my reels. But ये शायद मेरा थोड़ा ज्यादा nostalgic opinion भी हो सकता है यहाँ like I have nostalgia related to that phase. I love who I was in that phase, which is a preteen. Yeah, no, that of course you've answered your own uh, question. साथ-साथ ये भी है कि filter out होता है कि आप उस जमाने में अगर 10,000 गाने बने थे तो you 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 go your go-to songs are about 150. इसमें से आपके काफी सारे गाने. बट वही कह रहा हूँ तो अभी इस फेज से भी uh, उतने अच्छे गानों में से फेज आउट होकर कुछ डेफिनेटली अच्छे we'll गाने रिमेंबर uh, निकलेंगे विल रिमेंबर दैम द प्रॉब्लम राइट नाउ इज़ दैट वी आर थिंकिंग एक गाने को बना रहे हैं रील को सोच के एक गाने को बना रहे हैं मैशअप सोच के कि अरे यार इस स्केल में बनाऊंगा ना तो फिर वो मैशअप में मेरा गाना आ जाएगा फ़ला फला प्ले लिस्टिंग में मेरा गाना आ जाएगा तो अगर माइनस स्केल्स के गाने अभी चल रहे हैं तो मुझको माइनस स्केल में गाना बनाना है सिचुएशन सॉन्ग्स नहीं बन रहे हैं Which will, you you know, push you to do something else. You're mostly making the दोंग अबाउट द yearning लवलेस masti या मस्ती या you're stuck making the song the एक घड़े के अंदर ही चल रहा है सारा सब कुछ तो mm. जैसे आप कुछ अलग करते हो तो लोग टिपिकली बोलते हैं यार ये पुराना लग रहा है ये डेटेड लग रहा है और लोग डेटेड गाने पसंद कर रहे हैं तो इट्स इट्स अ क्रेजी सिचुएशन कहते हैं कि म्यूजिक इज व्हाट इमोशन साउंड लाइक

नाओ सिक्सटीन सेवनटीन ईयर ओल्ड मुश्किल से एक या दो अगर डैडी से पैसे लेकर ही वो सी खरीद सकते थे और जब आप वहाँ जा कर सी आप खरीद भी रहे हो तो या आप चला भी रहे हो तो इतना ये नहीं था कि यू आर लिसनिंग टू स्टफ क्वाइटली इनसाइड योर यर्स यू विल बी जज्ड फॉर वॉट यू लिसनिंग टू एंड सो कहीं ना कहीं देर इज वॉज अ सडन ब्रैक वैली सीरीज फॉर एक्सपेंसिव यर यू नो इट्स एट फाइव हंड्रेड दो सौ सौ रुपये पर आकर रुकी थी वो, वो भी वन नाइनटी नाइन एक्चुअली दो सौ ही सो वम टैन सेज़ एट दैट पॉइंट

हार्ट ब्रेक पसंद आ रहा है क्योंकि लाइक यू सैड अभी मुझे लग रहा है कि दे आर इन दैट दे वॉन्ट टू फील लिटिल सैड एक दुखी है पता नहीं क्यों बट वो फीज उनको चाहिए कि मैं अकेला दुखी नहीं हूँ देखो ये भी है ये भी है लेट्स मेक इट अ मास दुखी मूवमेंट उस दुख में हमें खुश, खुशी मिल रही है कि हम सब ऐसे ही पढ़े हैं यार तो दैट अपीलिंग टू अ सेवेंटीन ईयर ओल्ड वर्स इज अपीलिंग टू अ ट्वेंटी थ्री ईयर ओल्ड इट्स दो फाइव ईयर्स आर योर फॉर्मेटिव ईयर्स दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट म्यूज़िक एंड दिस म्यूज़िक आप ये बेसिकली कह रहे हो कि जो भी एट अ हायर लेवल डिसीजन मेकर्स होते हैं वो डेटा को फॉलो करते हैं hmm. और भारत के डेटा के अकॉर्डिंग द मेन मास इज फोर्टीन टू सेवनटीन ईयर्स ओल्ड तो टीन के लिए सॉन्ग्स बन रहे ah. इसलिए गहराई इतनी नहीं डाल सकते नहीं डाल, नहीं डाल नहीं सकते हैं सर इट हैज बी समथिंग कि वो सुनते ही वो कहीं ना कहीं एक सुई अटक जाए उस पर और वो बात इतनी सिंपली कुछ अब कह दो या फिर ऐसे सिंपली गा दो या ऐसा एक गिटार पे कर दो कि वन टू वन लगे और कनेक्टेबिलिटी hmm. हो जाए देन थ्रू वाइब मिल जाए उस सोलह <laughs> साल के बच्चे को वाइब मिल जाए उससे hmm. अब वो मैं उसको बोलूंगा कि भाई तू एनालाइज करके बता कि क्या पसंद आ रहा है आ सर आई मुझे अच्छा लगता है भड़क भी जाता है ज्यादा पूछो तो <laughs> मुझे अच्छा लगता है चांद बालियां तेरी चांद बालियां मुझे अच्छा लगता है hmm. I mean, एम दस सेंग यू नो अभी वॉट इट इज़ अबाउट इट यू कॉन्ट एनालाइज एंड म्यूजिक यू कान शुड एक्चुअली एनालाइज इट्स यू फील इट सो उनको आप ज़्यादा बोलो कि देखो इसमें मैंने ऐसे अच्छे एक और लगाया फिर यहाँ से कैसे मैं ट्रांसजेंट नोट लेकर मैं यहाँ गया हूँ वो किया हूँ बोलो वो आप थैंक यू मुझे मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है <laughs> मुझे ये वाला सीधा सीधा अच्छा लग रहा है आप मॉडर्न म्यूजिक इंडस्ट्री को किस नज़रिए से देखते हो आप क्योंकि करण ओजला भी आए हैं शो पर उनसे बहुत बात हुई एंड फॉर मी इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट प्रॉपर्टीज इन द वर्ल्ड राइट दर्ल्ड उनसे बात हुई इसके बारे में प्रतीक कुमार आए मैं शो पर उनसे बात हुई है प्लस सोनू निगम सर से बात हुई अब आपसे बात, आप बात हो चुकी है आई फील कि हर कोई ये मानता है कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट आर द नेक्स्ट बिग थिंग कि इंडिया में भी फिर से एक वो जैसे इंडी पॉप आ चुका है कब का आ चुका है तो पर अभी ये हमारे सारे पॉप स्टार्स राइज करेंगे और भी ज़्यादा ये भी मैं मानता हूँ Uh, इनकी मॉनेटरी ग्रोथ अब बहुत ज्यादा होगी सारे सिंगर्स हो चुकी है और भी होगी मतलब इट्स राइट और भी बहुत क्रेजी तरीके से होने वाली है it eclipses just film music for the sake of overall Indian music yeah I think the walls will break आई फील जैसे इन द वेस्ट यू नो लोग साउंड ट्रैक में ऑलरेडी रिलीज गानों को अपने साउंड ट्रैक में डालते हैं तो जैसे अभी मैं हाल ही में कोई फिल्म देख रहा था आई थिंक से से लाइक यू नो कंपनीज आर हैव अ बिग कैटलॉग सारे गामा है उनके इतने पुराने गाने हैं बिच कैन ईजली यू नो हर सिचुएशन में उनका कोई पुराना गाना होगा बिच यू कैन यू कैन पुट इन टू दिस थिंग श्रीकांत फिल्म देख रहा था वो पापा कहते <laughs> हैं

कि ये फिल्म का गाना है ये नॉन फिल्म गाना है फिल्म का गाना है तो ऐसा होना चाहिए लगना चाहिए कि हीरो के साथ लिपसिंक बिकॉज लिपसिंक भी अभी काफ़ी हद तक कम हो चुका है hmm. होता है तो आइटम गाने होते हैं दुनिया को पता है कि हीरो नहीं गा रहा है कोई और गा रहा है और आई मीन इट डजेंट रियली रियली मैटर कि कितना मैच हो रहा है वॉइस वो सारी चीज़ें गॉन आउट ऑफ द विंडो सो आई थिंक पीपल विल लिसन टू अ सॉन्ग बिकॉज इट्स अ सॉन्ग नॉट बिकॉज इट्स पिक्चराइज ऑन द सुपर स्टार अफकोर्स वो एडवांटेज तो हंड्रेड परसेंट होता है बट द लाइन्स आर डेफिनेटली कैरिंग ब्ल वेरी मतलब इसे आई थिंक ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री बिगे सॉन्ग वॉज मान मेरी जान वॉज नॉट अ फिल्म सॉन्ग उससे पहले फिलहाल वॉज द बिगेस्ट सॉन्ग समझ सको तो नॉन फिल्म सॉन्ग्स आर एक्चुअली मेकिंग बिगर नंबर्स दैन फिल्म सॉन्ग्स आई मे बी रॉन्ग आई नॉट व्यूर बट आई थिंक केसरिया वॉज द सेम ईयर मे बी केसरिया नेक्स्ट ईयर एनी जो भी हो बट नॉन फिल्म सॉन्ग्स आर यू नो गोइंग टू बिलियंस ऑफ व्यूज सबसे बड़ा चैलेंज क्या इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए अब चैलेंज तो नहीं कहूँगा लेकिन एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो एक चैलेंज होती जा रही है बिकॉज एवरीथिंग इज अबाउट नंबर्स एंड एवरी थिंग इज अबाउट नॉट अबाउट लॉन्जिविटी बट अबाउट नाउ यू नो नेक्स्ट वन मंथ नेक्स्ट थ्री मंथ्स यू नो ट्रेंड ओरिएंटेड ट्रेंड ओरिएंटेड एंड यू नो यू आर रीचिंग अप वेरी फास्ट बट हाउ डू यू स्टे एट दैट लेवल फॉर दैट लॉन्ग इट्स इट्स वेरी डिफिकल्ट सो आई थिंक वाईज रिस्पॉन्सिबिलिटी मोर देन चैलेंज इज दैट इफ ओवरऑल म्यूजिक की जो अप्रिसिएशन है या म्यूजिक की जो अंडरस्टैंडिंग है मोटा मोटा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बैठ के राग रागिनियों के बारे में या नोट्स के बारे में और मेजर माइनर वो सब सीखा एक म्यूजिक अप्रिसिएशन अगर वी कैन वी कैन ब्रिंग अबाउट थ्रू आर वट एवर म्यूजिक वी पुट आउट पुट आउट आर बेस्ट बेसिकली इफ इट इज हाफ बेक डोंट पुट इट आउट पुट इट आउट वेन इट इज गोइंग टू एक्चुअली थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रेच तो करने दो तुम्हारे ऑडियंस को हा मतलब ऐसा ये हुआ है कि भाई यार कोई ग्लास इतना दूर क्यों रखे हो यार कोई इसको उठा के मेरे हाथ में दे दो म्यूजिकली वी आर डूइंग दैट इतना ज्यादा फेरेक्स बना दिए हैं ना कि डाले मजा आ गया थोड़ा सा लेट देम अंडरस्टैंड कि क्या कहना चाह रहे हैं लेट देम सीक व्हाट द टू से लेट देम अंडरस्टैंड कि यार ये ये नोट इस तरह से कैसे किया

सो वॉट विद वॉट विल स्टे विदम आपको एक फैक्ट बता रहा हूँ अभी हम लोग वी आर पारा इसाम एंड द हाइस्ट नंबर ऑफ सॉन्ग्स आर एव गॉट यू नो व्यूज तो नाम जो निकला है इज उदित नारायण सो इज इन दिस इंटरेस्टिंग दो सॉन्ग्स है उनके कुछ गाने होंगे तीस साल पुराने पच्चीस साल पुराने चालीस साल पुराने जो आज लोग सुन रहे हैं Imagine इमेजिन एज बिजनेस ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस इफ यू मेक अ प्रोडक्ट that विल लास्ट that लॉन्ग दैट विल होल्ड योर ऑडियंस दैट लॉन्ग राइट ना वे making that business वॉर सॉट आप डाल रहे हो करोड़ों डाल रहे हो और आप तीन करोड़ डाल रहे हो आपका बिजनेस बन रहा है डेढ़ दो का फिर ट्रिकल डाउन होते 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 दस साल में यू विल डबल योर बिजनेस बट सो यू मेक बिजनेस मैथमेटिक्स उसमें बन रहा है कि यू नो मैंने इतना यू पुट इन द सेम 3 करोड़ दट मेक अ सॉन्ग दैट विल लास्ट 30 years नो no? Hmm. आप आप जिस घोड़े पे पैसे डाल रहे हो उस घोड़े को ऐसा तगड़ा बनाओ कि वो ऐसा भागे कि नेक्स्ट दस साल तक वो आपको पैसे दे बट वो सोच नहीं आ रही है वो ट्रेंड लोगों को यही पसंद है यही चाहिए तो वो इस तरह से बना रहे हैं और करते करते दैट यू नो इट्स इट्स स्तर गिरता जा रहा है क्या इस कॉन्वर्सेशन से कुछ बदलेगा द होप इज यस कि ट्रिकल तो हो जाएगा ट्रिकल हाँ बट सी दिस इज इट्स फॉर द इंडस्ट्री टू 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 होल्ड मुझे आप जो परोसेंगे उसमें से मैं मुझे तो वही खाना है मेरा तीन आइटम है उसमें से एक पसंद आया बट अगर मैं तीनों आइटम कमाल के आपके सामने रखूँ तो दैट इज़ नॉट फॉर द ऑडियंस ऑडियंस इज ऑलवेज बिन एट द एंड ऑफ द ऑफ द पाइपलाइन तो उनको ये चार गाने मिले उनमें से ये पसंद आ गया बट उनको चार उस तरह के गाने दो कि उनको सो इट इज़ फॉर द क्रिएटर्स द कॉन्टेंट क्रिएटर्स हु आर मेकिंग द सॉन्ग्स हु आर एक्चुअली यू नो राइटिंग न्यू स्टफ द कंपोजर्स द म्यूजिक कंपनीज

अब मैंने इतना कुछ किया लेकिन तनहा दिल पर ही आके सुई रुकी है ना बिकॉज mm. वो गाना मेरा है यू यू सीन मी इन द वीडियो यू दीडियो रिटन दैट सॉन्ग सिम्पली चौबीस साल बाद हाँ 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 आई टोल्ड माई ओल्ड बॉय सो हम यू नो ही प्रोड्यूस म्यूजिक तो मैंने उनको बहुत बिजनेस वाली बात बताई यार आई से वाई यू वेटिंग फॉर द नेक्स्ट आर्टिस्ट विल कम टू यू एंड टेल यू मेक मेक माई एल्बम तुम बैंक बनाओ अपने तुम गाने बनाते रहो फिर जब आएगा तो आप सामने पेश कर दो बीस पच्चीस गाने वो यू you नो know, एक दो तो पसंद ही आ जाएगी उसको सिंह आइडिया तो अच्छा है लेकिन आई कान वर्क लाइक दै ए वोट यू मीन एस ए नो नो आई नीड एन आर्टिस्ट आई नीड टू नो वॉट दट आर्टिस्ट इज वॉन्टिंग टू प्रोजेक्ट एज एन आर्टिस्ट वॉट इज द आर्टिस्ट ट्राइंग टू सेन आई कैन प्रोड्यूस हिज़ अ हर म्यूजिक आई कान जस्ट मेक अ सॉन्ग जस्ट लाइक दैट देन ऐसे यार ये प्योरस्ट लेवल से आ रहा है तो अच्छी बात है ऐसे ठीक है भाई तो यू 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 स्टिक टू वॉट यू डूइंग सो वो बहुत जरूरी है दी आर्टिस्ट शूड टेल यू दैट यार मुझे ऐसा ये मेरा एक थाट है आर्टिस्ट एक बोलते मुझे एक हिट गाना बना के दो हाउ इज दैट अ ब्रीफ मैं आपके बेटे के बारे में सोच रहा हूँ जो कंपोजर है क्या hmm. उन्हें पता है कि घर पे ही एक न्यूक्लियर वेपन बैठे हैं उनके पापा नहीं 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 यार माही 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 सॉरी नो प्रोड्यूसर्स एंड गो टू इज ब्रदर अगर कुछ होता है तो भाई के पास जाता है मैं कभी खुद घुसता हूँ उसके अंदर अरे मुझे बताने दे फिर वो जरा कहते वो अंकल आ गए इनको थोड़ी देर mm. के लिए खड़ा कर सकते हो हमारे देश में एट द मोमेंट लेंग वेरी इंपॉर्टेंट हैंड नो लोग जितना भी बोले एल्गोरिद्म बोले ये बोले वो बोले कहीं ना कहीं यू नो लेबल विद देयर क्लाउड एंड इन्फ्लुएंस एंड मॉनिट्री पावर ऑल्सो टू सम एक्सटेंड हैज़ अ बेटर एडवांटेज बिकॉज यू नो दे आर ब्रिंगिंग इन अ बिग चंक ऑफ बिजनेस टू द स्ट्रीमिंग चैनल्स तो मैं अपना एक गाना लेकर जा रहा हूँ बोल रहा यार मेरा मेरा गाने को प्ले कर दो एल्गो में डाल दो यू uh, नो you know, और वर्सेस सवान हुए हैं ये कर साथ साथ मेरे और पचास गाने कल आ रहे हैं और ऑलरेडी तेरे पास मेरे पचास हजार गाने हैं सो आई डोंट थिंक दैट वो आल गोज अ गुड वे टू एक्सप्लेन टू अस यू नो वन लेबल ऑल्सो शान म्यूजिक लेवल के एवरी वन टेल यू डू डोंट गिव योर सॉन्ग्स टू म्यूजिक कंपनी बिकॉज यू नो वॉट यू यू गैरिंग दैन ऑथर वॉट यू गैरिंग सेवन पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ द ऑफ द पाय दे आर गेरिंग यू नो मोस्ट ऑफ इट इज गोइंग टू द म्यूजिक कंपनी सो बट आई वुड स्टिल थिंक लाइक माई 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 यंगर बॉयज आई कैन सी द काइंड ऑफ यू नो जिस तरह की यू नो एनर्जीज पैसे एफर्ट्स uh, uh, वो डाल रहे हैं इट्स अ होल कॉरपोरेट वर्किंग फॉर यू या वो मैं अकेले थोड़ी कर पाता और एक म्यूजिक आर्टिस्ट की मेन कमाई लाइव शो से होती है अभी आर्टिस्ट जैसे हैं काफ़ी आर्टिस्ट हैं जो खुद अपनी पब्लिशिंग खुद करते हैं okay. वो भी बहुत सक्सेसफुल रहे हैं जसलीन आई थिंक ये करती है जसलीन हाँ जो उनकी नॉन फिल्म हैं शायद वो खुद पब्लिश करती है

प्रोड्यूसर हूँ सॉन्ग राइटर हूँ वोकलिस्ट हूँ और सारा यू नो मोस्ट ऑफ़ द शेयर इज़ गोइंग तो खुद मैं अपना खुद पब्लिश करूँ या फिर मुझ जैसा कोई हो कि अब यार मुझे खेलना है मुझे मज़े लेने हैं मुझे वो कंपोज़र या म्यूज़िक कंपनी की बहुत सुन चुका हूँ यार पूरी जिंदगी उनकी ही सुनते सुनते सारे गाने किया हूँ अब तो अब मेरे माई ओन लेबल और मैं अपने लेबल में अपने हिसाब से गाने डालता हूँ इस्पेक्टिव कुछ नहीं चलता लेकिन मैं मज़े लेता हूँ तो वो एक अलग बात है आप खुद ही कंपोज़ करते हो खुद ही लिख दो कभी कभार किसी और की राइटिंग पे कंपोज़ करता हूँ कभी खुद ही लिख लेता हूँ कभी किसी और का गाना बहुत पसंद आ जाता है तो कहता हूँ कि यार मैं अपने लेबल पे इसको रिलीज़ करना चाहता हूँ फन लाइ कैसा देर इज़ नो दर इज़ नो बिज़नेस प्लान एट ऑल ओके है हमारी शूट से पहले आपने कहा कि आप भी एक री इन्वेंशन फेज़ में हो जहाँ और ये हमारी रिसर्च में भी निकल गया है आपके लाइव परफॉर्मेंसेज और भी ज़्यादा इनहेंस हो रहे हैं आप

उस खुद को बचा के रखा हूँ कि यू you नो know, और जितने साल है साथ साथ हाँ यू नो आप uh, मैं साथ साथ बताता हूँ जैसे जैसे सुनिधि ने खुद को रिन्वेंट किया और जिस तरह से यू you नो know, uh, एक अलग सुनीधि डांसिंग दिवा एंड ऑफकोर्स सिंगिंग लाइफ कीपिंग द ऑल द द ये नहीं कि ये कर रही हूँ तो फिर मैं ये नहीं करूँगी या ये करी तो वो नहीं करूँ वो रखते हुए परफॉर्मेंस एनहेंस की उन्होंने तो देखा वही देन आई एम अगेन लाइक अ बिट ऑफ अ स्टूडेंट दिया मैं यहाँ वो देखता हूँ वो यू you नो know, यार ये करिए चलो मैं भी ट्राई करता हूँ शी टुक अ होल ईयर ऑफ एंड शी रियली वर्क ऑन इट मैं तो ऐसी चलती ट्रेन में घुस गया हूँ लेकिन वो होते होते ही होगा योर फर्स्ट शो के नॉट बी परफेक्शन बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम यू डूइंग एनी थिंग यू नो सो मनी थिंग्सा योर हेड बट इस बार मैंने थोड़ी सी डांस की ट्रेनिंग लेके Uh, कुछ डांस स्टेप्स टेप्स की मज़ा आया आई एम गो कीप डूइंग दैट आई एम गोनो आल्सो यू नो अर्लियर हम लोग सब कुछ लाइव करते थे इवन विदाउट अ क्लिक अब क्लिक ट्रैक चुकी है आई एड सम्स विच यू नो वर्क फॉर द न्यूअर ऑडियंस एक बीट बॉक्सर भी बॉक्सर आ, आ गया है बैकिंग वोकल्स आ गए हैं सो so, बिल्कुल पीपल वो चाहते हैं कि एक हाइटेंट एक्सपीरियंस हम पैसे देकर टिकट खरीद रहे हैं एक शो देखने के लिए ठीक है यार शान तीन घंटे लगातार गाता रहा फैंटास्टिक बट उससे ज्यादा और क्या क्या यहाँ दिलजीत दोसांझ भी एक प्रोटोटाइप है जिसे पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री नोटिस कर रही है मैंने उस पर ज़्यादा एनालाइज स्टडी तो नहीं किया है बट डेफिनेटली एक एक इट्स बिन अ टीम एफर्ट एक मार्केटिंग एफर्ट जरूर है उसमें क्योंकि जैसे जैसे आप अरिजीत को ले लेते हैं तो अरिजीत के हर साल में लगभग छह आठ ऑल इंडिया हिट्स आ रहे हैं दिलजीत भाई की एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है बट पंजाबी आर्टिस्ट है पंजाबी एज अ कम्युनिटी इज अ इज 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 अ इज अ वेरी स्ट्रोंग कम्युनिटी वो कहीं ना कहीं उनके डीएनए में है कि मैं पंजाबी हूँ hmm. अब पंजाबी पाकिस्तान के हो या इंडिया के हो या साउथ के हो दे आर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट एंड यू हैव अ वेरी स्ट्रांग ऑडियंस दैट कम्स इन नाउ वॉट हैपन्स इज दैट वेन यू ऑलरेडी हैव एनी शो आप करते हो एक

क्लोथ्स तो एक क्वांटम लीप उन्होंने लिया है एंड दिस कैन ओनली बी ग्रेट फॉर द होल कम्युनिटी क्योंकि जैसे जैसे अरिजीत के लाइव शो से पहले हमें लगता था यार गुड एंड ऑफ आई मीन सोनू भाई अच्छा कर रहे थे सब अच्छा कर रहे थे सडली इज कम इन सच अ शॉर्ट टाइम एंड एंड इज इज आस्किंग फॉर दिस काइंड ऑफ मनी इज टेकिंग सो मेनी पीपल विथ हिम मेरे मैं सोचा मेरा एडवांटेज है मैं सिर्फ पाँच म्यूजिशियन से जाता, जाता हूँ कट टू कट शो करता हूँ मेरे यू uh, नो you know, मेरा जो प्रमोटर है उसके कितने पैसे बच गए और फिर मैं जाके मैं ही गा रहा हूँ पब्लिक भी खुश आ रही है कोई को सिंगर नहीं ला रहा है खुद ही गा रहा है शुरू से एंड तक यू uh, नो you know, कोई ताम झाम नहीं है वेरी uh, गुड नहीं ऑडियंस को जाके दे वॉन्ट टू सी एन एक्सपीरियंस अ लार्जर दैन लाइफ एक्सपीरियंस तो वहाँ से हमारी भी आंखें खुली कि यार पीपल आर एक्सेप्टिंग दिस दे आर दे आर विलिंग टू स्पेंड दैट काइंड ऑफ मनी बिकॉज दे नो दे बी इन अरीना They are going to be with another eight, ten thousand people. वो फ्रेंजी इज अ पार्ट ऑफ हम लोग मैच को जाके लाइव क्यों देखते हैं इट्स मच बेटर ऑन टी But you want to be a part of that mass frenzy. And uh, this is all, I think तारसम was his manager जिसकी यू नो विजन थी तो उसके बाद ना we all feel चलो utna बड़ा तो हम नहीं कर पाएंगे लेकिन let's push for a bigger पेरा show. और वही कर रहे हैं आप सब जो आपने क्रिकेट स्टेडियम के बारे में बात करी जो आप क्रिकेट मैच देखने जाते हो समय ना आपको लगता है कि आपके एक चेयर से हार्दिक पांड्या एक और मार हाँ हाँ, हाँ, वही है यार फिर <laughs> तो क्या अपनी फ्रस्ट्रेशन <laughs> निकालते हैं उस पर जब आप एक म्यूजिक परफॉर्मेंस के लिए जाते हो यू वांट टू बी एनवलोप्ड बाय द म्यूजिशियंस पावर कि आई वांट हिज कॉन्शियसनेस टू टेक ओवर मी तो एज द म्यूजिशियन ऑन स्टेज आपको कैसा लगता है कि आप एक पूरे क्राउड को कंट्रोल कर रहे हो चाहे साठ लोग हो छ लोग हो मुझे तो ये चमत्कार जैसे लगता है

<laughs> और लाइक आई सेड ना मुझे वो फियर ऑफ डिजेक्शन का बहुत चलते रहता है तो डॉन में मैं थोड़ा सा ऑल्टरिगो में आ जाता हूँ <laughs> मैं इमेजिन करता हूँ कि मैं शाहरुख खान हूँ और मैं एंट्री करता हूँ और मैं डॉन और वो उनका वो ये फील भी लाता हूँ क्योंकि दैट इज़ वेरी वो शुरू में ही अगर कुछ ऐसा हो जाता है ना पूरा शो गया hmm. यार लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं ये शो फ्लॉप हो गया लो, लोग लोग इन्जॉय नहीं करेंगे वो सो फॉर दैट दैट फर्स्ट फाइव मिनट्स ना मुझे वो रॉक वाला बनना पड़ता है तो तो देन आई कम देना का शेल धीरे धीरे बीते नहीं लोग इन्जॉय कर रहे हैं चलो ठीक है इट्स ऑल गुड बट आई ऑल्सो इन्जॉय इन दैट सेंस परफॉर्मिंग ओल्ड सॉन्ग्स मैं कोशिश करता हूँ कि अपने शो के ज़रिए कुछ मेरे फेवरेट जो सेमटीज़ के गाने अच्छा, की हैं अच्छा उनकी कुछ बातें हैं जिनकी कुछ जैसे अगर मैं हम जो चलने लगे तो इसका फिलोसफी यही कि चलने लगी रास्ते तो मतलब वी वी कांट स्टॉप तो उसको मैं मैशब रुक जाना नहीं तो कभी हार के तो उसमें एक पॉजिटिव मैसेजिंग हो जाती है तो आई एन्जॉय सिंगिंग दीज क्लासिक्स फ्रॉम द सेवेंटीज़ और पता नहीं वो और आसानी से मैं गा पाता हूँ मेरे अपने गानों से really? मैंने सिंगिंग किशोर कुमार सॉन्ग और रफ़ी साहब सॉन्ग मुकेश जी सॉन्ग और आसान लगता है मुझे गाने में किसी की पे हो न अपने गानों में से फेवरेट कौन सा है वे यू आर द मोस्ट अलाइव ऑन स्टेज वो फास्ट वाले गाने तो है ही ना सब तो बहुत मजा आता है उसमें दैट तो फिर तो पागल हम डांसिंग एम गोइंग वेदर इट्स बहुत सारे हैं मतलब द होल इट्स अ मैशअप वी गो ऑन फॉर अबाउट फोर्टी मिनट्स टू द एंड तो राइट फ्रॉम इज द टाइम टू डिस्को वो डांस भी होता है उसमें बेस्ट द पार्टी टुनाइट फिर कोई कहे कहता रहे <laughs> बस दीवानगी दीवानगी <laughs> दस बहाने करके ले गए, दिल दिल ले गए दिल। दिल। तो वो जो आप बोल रहे थे ना हाँ इस पॉइंट hmm. में मैं फ्लो स्टेट फ्लो स्टेट में चले जाता हूँ हाँ hmm. ये ये अब अब समझ में आया सो यू कैन गो इन अ फ्लो स्टेट वेरी फ्लिवलेस फ्लो स्टेट भी हो सकता है ना

तो क्या हो जाता है कि आपको हर चीज़ में अगर ह्यूमर दिखे ना तो ना वो चीज़ आपको बुरी लगेगी hmm. ना उस चीज़ से आपको कोई तकलीफ होगी और uh, शायद उस पॉइंट पे तकलीफ हो रही है लेकिन बाद में याद करता हूँ तो बोलते हैं अ वेरी मतलब मुझे तो वो चीज़ बहुत फ़नी लगी तो रियलिटी शोज़ पे जैसे आप कह रहे हो कि यू नो मेनी थिंग्स आर स्टेज मेनी थिंग्स आर बट द मोमेंट इज़ क्रिएटेड व्हेन यू आर लुकिंग एट थिंग्स विद अ सर्टन सेंस ऑफ सीकिंग ह्यूमर फ्रॉम इट सो वेरी ऑफन यू आर डूइंग समिंग दैट इज वेरी क्या बोल दू यारो लगेगा यू विल लुक अनकम्फर्टेबल डूइंग इट बट उसमें अगर यू यू डू इट नोइंग दैट डो माई गॉड दिस इज सो स्टूपर डे आईज सो मनी तो यू नो यू एन्जॉय डूइंग इट आई नम बिंग मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ बरकरार रहे हैं। आ, आस, बास, बास। <laughs> वो अंडर ब्रेथ स्टेटमेंट्स भी चल रहे हैं उसके ऊपर मैं कुछ कह रहा हूँ वो भी हो रहा है तो दैट इज माय फेवरेट थिंग पता जब इंडियन आइडल सीजन वन आया था अभिजीत सावंत एंड अमित साना हुँ, हु, हुँ. तब सच में लगा कि इंडियन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की इंडस्ट्री अभी चेंज हो जाएगी

एक वक्त आया था जब इंडी पॉप के जो आर थे ना उनको ना रेडियो मिल रहा था ना टेलीविजन मिल रहा था आपके चैनल भी एमटीवी ये सारे स्टेशन इट बिकेम यूथ चैनल्स इंडी पॉप गाने बंद कर दिए चलाना hmm. तो सबको प्लेबैक करना था so, और गाने भी आप जब शो पे आ रहे हो तो आप दूसरों के प्लेबैक फिल्मी गाने ही गा रहे हो नॉन फिल्म गाने कहाँ गा रहे थे कोई भी सो रियलिटी शो के साथ

हाँ कितनी जल्दी आता है वो भी एक चीज़ हो गया है बट आई थिंक आई थिंक शुरू में ही यू नीड ए यव मतलब कुछ ऐसा हो आपके पहले के दो लाइन्स में जो कि कोर्स में नहीं है फिर पूरे गाने में वो आएगा भी नहीं बट hmm. जैसे कि अगर हम देखेंगे फिल्म सॉन्ग एज एन एग्जाम्पल बट चन्ना मेरे अमेर एज अ कोरस बट ये गाना हिट हुआ अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना अब ये टिपिकल है ना अच्छा चलता हूँ दुआ में याद रखो वो एक टिपिकल एक तकिया कलाम बन गया था सो यू हैव टू गेट समथिंग इन दैट फर्स्ट वन और टू लाइंस ना लिरिकली म्यूजिकली सम यर्बम सम साउंड दैट विल ग्रैब एंड होल्ड द ऑडियंस टिल यू रीच योर कोरस उसके बाद एंटिसिपेशन द आर्ट ऑफ एंटीसिपेशन क्योंकि वो फर्स्ट 10 12 15 सेकंड्स में गेम है mm. वो निकाल देंगे और नेक्स्ट सुनेंगे मान लो आप से सोनू निगम सर से मिल रहे हो

थ्रू म्यूजिक नॉट नॉट थ्रू न्यू सॉन्ग्स नॉट कम बैक के यू नो जैसे जैसे हमारे सीनियर्स यू नो द नाइनटीज़ टॉप सिंगर्स मेरा कम बैक इन लाइव शोज बट सुनने का मैं एक्चुअली रिकॉर्डिड सिक्स और एट हिट सॉन्ग्स आफ्टर अ सर्टन गैप तो यू कैन से ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर वॉज अ कम बैक फॉर अ सिंगर तो ये बहुत कम हुआ है कि कोई रूल किया थोड़ा सा एक डल पीरियड आया एंड देन दे केम बैक एंड डिलीवर्ड न्यू सॉन्ग्स तो so, I, I called him, नाइट ग्रेचुलेट him. तो वो एक सीरियस कॉन्वर्जेसन हुई थी और ही ऑल्सो सेट कि भाई इट वॉज अ प्रोसेस एंड यू नो मैं लगा रहा यू नो and they're you know, we very honest and we talk with each other so it was nice there are three singers from the 2000s uh jiske liye log wait kar rahe the sonu mm -hmm. sir yourself and kk sir kk sir was still saal mein unke do teen bade gaane aa hi jaate the we, if we, we hungry to see more

प्यारा अच्छा लव सॉन्ग था आई हैप विद डैट वन अफकोर्स ट्वेल्थ फेल में गाने but बट दो, दो, दो नॉट प्रॉपर uh, मतलब मेरे दो लाइन या तीन लाइन थे बट गाने चले which इज ऑल्सो गुड नफ मुझे अभी एक नॉमिनेशन आया उस गाने के लिए ऐसे नहीं भाई प्लीज़ ये नॉमिनेशन मत दीजिए मेरे पूरा गाना श्रेया का है मेरे पास उसमें तीन लाइन है उसका क्या नॉमिनेशन क्या आई I मीन mean, मजाक हो जाऊँगा यार मैं वहाँ जाऊँगा कैसे किसी को मुंह दिखाऊंगा कि यार नॉमिनेशन हाँ कौन सा गाना तो नहीं उसमें लास्ट में दो लाइन थे तो एनी तो या सो आई वॉन्ट न्यू सॉन्ग्स अभी एक हाल ही में गाना किया था लगा ऐसे जो डंकी का गाना किया था बट इन द फिल्म इवन द सॉन्ग आई डिड फॉर जीत का गीत बट वो इट वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द फिल्म बट अच्छा था मैं ओलंपिक्स में गाना गाया फिर महाराज का गाना एक अच्छा था बट दर ऑल्सो आई कम इन फ्रॉम द अंतरा सो आई एम वेटिंग फॉर यार ऐसा एक तो मिल जाए एक दो ऐसे गाने आ जाए कि यार शार्स बैक तो so, बस वही कर रहा हूँ एफॉर्मेशन कब तक करते रहूँ पता नहीं लेकिन किए जा रहा हूँ फिंगर्स आर आक्रॉस्ट एंड कुछ हो जाएगा कुछ अच्छा आएगा इन द मीन वे ऑफ केप माई सेल्फ बेटर देन एवर इन फुल फॉर्म आते ही अगर दरवाजा इतना भी खुला तो घुस जाऊंगा आई फील कि एक वॉइस क्वालिटी परस्पेक्टिव से आपके और के केसर की वॉइस बहुत जेंजी uh, फ्रेंडली है ऑनेस्टली वेरी एवरग्रीन वॉइस फ्रेश वॉइस है लाइक के के इवन मोर दो आपके कभी भी मैं काफ़ी हद तक थोड़ा सा ना फिल्मी सिंगिंग कर लेता था थोड़ा सा हीरो को सोच के यू नो थोड़ा सा फ्लैम बॉयस उसमें लाया क्योंकि फिर भी हैड केप्ट अ वेरी एक स्ट्रॉग फिल्टर ऑफ ऑनिस्टी इन हिज सिंगिंग स्टाइल तो मे बी द फ्लैम बॉयंस वॉज नॉट एज मच इन दैट सेंस यू नो किट फॉर इमरानी बट ही डेन सिंग फॉर द शाहरुख खान के भी एक आध गाने बट नॉट टू दैट लेवल बिकॉज वो फिल्मी पना उसका कम था सिंगिंग का बट दैट वॉज अ जेनजी कनेक्ट बट ये सारी चीज जब तक सीखता हो ना तब तक वो वक्त निकल जाता है सो आई शो ऑल्सो डल के यार थोड़ा सा और उसमें और हीरोइजम लाव भाई मैं जैसा हूँ मैं वैसी गाता हूँ सो मैनी थिंग्स स्टे विद मी सो द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ कंपोजर्स दे वॉन्टेड के के टू सिंग फोर दैम मोर देन दे वॉन्टेड यू नो अस क्यू Because he had that they could relate to that singing, Now They didn't feel it was uh, uh like too flamboyant, too over the top, too filmy. There was some some rawness to it, some honesty to it. Authenticity. Authenticity to it. Hmm. And also songs were on that more that rock vibe, na, which then became mainstream in the, in terms of compositions. I mean, Mithun ke you know, create tha. they wanted that straightforward singing. एंड हीजट दैट वो कभी ज्यादा नहीं करता था नए सेट ऑफ प्ले बैक सिंगर्स में से आपके फेवरेट्स कौन है सब अच्छा कर रहे हैं अरमान इज कॉज इज लाइफ क्या उसके सुर लगते हैं technically brilliant. उनकी uh, technically very strong. उसके सुर अच्छे लगते हैं और उसकी आवाज में पॉजिटिविटी है एक खुशी है वॉइस में विच आई लाइक आई थिंक ही शुड प्रोजेक्ट लिटिल मोर आई फील के जो टोनालिटी यू कैन डू इट बट आई थिंक ही इज़ थिंग इट टू मचो बॉइश बहुत ज़्यादा लग रहा है ना ही शुड बी लिटल मोर ऑफ अ मैन बट बट मे बी दैट से यू एस पी पीपल वॉन्ट टू हियर दैट फ्रॉम हिम सो आई एम नॉट टू श्योर वाई वीड डू इट बट इज़ टेक्निकली वेरी स्ट्रॉन्ग वो कर सकता है जो भी हो चाहें और आई मीन ये भी तो नए नही हुए यार मान भी तो ईज़ बिन दे फॉर टेन ईयर्स टेन फिफ्टीन ईयर्स तो नए किसे बुलाऊं मैं मुझे विशाल मिश्रा बहुत अच्छे लगते हैं विशाल मिश्रा ऑफ़ कोर्स आई मीन उनकी भी एक 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 स्टाइल है एक एक थ्रो है एक रेसिपी एक वॉइस uh, है विच रियली यू नो विच वर्क्स विच इज़ क्वाइट अमेजिंग साथ साथ टेक्निकली अगेन ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग तो मैंने उनका एक ई वाला गाना सुना था कैन ममो ऑफ सॉन्ग बट आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज फंटेस्टिक मैं विशाल मिश्रा के गाने का मैं एक एक नया एक ये भी बनाया पैरेडी पैरेडी तो नहीं कहूँगा मिमिक्री एक्ट बनाया हूँ वो जो गाना था ना वो उनका है सुपर हिट गाना जो है ना वो एनिमल वाला पहले भी, पहले भी, हाँ। भी तुमसे मिला तो वो ए के जरिए डिफरेंट वॉइ अगर गए तो कैसे गाएंगे तो ये मैंने दुबई में किया था तो बहुत इंटरेस्टिंग हुआ था वो तो शानुदा गा रहे हैं उदय जी गा रहे हैं एच गा रहे हैं हमारे

ये कैसे जज कर रहे हैं को पर वो जावेद अख्तर है बट अ डिफरेंट ना तो उनकी परसेप्शन तो नॉट जस्ट एज बट हैड थ्रू हिज लाइफ सो एंग्री यंग मैन देखने के बाद आई थिंक एक पूरी जनरेशन को जावेद अख्तर के ग्रेटनेस के बारे में पता चला है बिल्कुल बिल्कुल ये तो आज तो द जावेद अख्तर वेरी वेरी Uh, friendly, इजीज <laughs> pleasing. I'm sure at that point he must be a different, different beast. But uh, you come down over years and you know you so many things. जो आपने जैसे uh, अब एक पचास की उम्र में मेरे पास वो ख़जाने हैं ना जो मैं कुछ मैं उन्नीस साल की उम्र में मिला होगा वो कलेक्ट करके हम रखे हैं mm. तो जब मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ एक शॉट में जैसे आपने मुझे इतनी सारी चीज़ें दी ये भी मेरे ख़जाने में आ गई Hmm. अब जावेद साहब के पास इतने कितने होंगे जब भी वो किसी को सुनते हैं तो वो एक लाइन में ऐसी बात कह देते हैं कि जो मैं यू you नो know, गोल गोल घूमता रहा बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं सुना तो वो बोल देंगे झट से ना क्योंकि उनपे ना बहुत सारी बुक्स लिखनी चाहिए लोगों को ऑफ ह्यूमर अगेन हाँ, crazy sense of humor, that, that should, आप कुछ करें ना उसको आप बहुत मतलब आप आप स्पीच दे रहे हो आप किसी को समझा रहे हो आप आप ऐसा नहीं प्रवोचन नहीं लगे यार mm. उसको आप विद अ सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ आप डालोगे ना तो उसका मजा लगेगा उनकी टाइमिंग mm. करके एक लाइन ऐसे डाल के निकल जाएंगे तेरी होना चाहिए <laughs> ये भी शायद ओवर टाइम कुक होता है ये स्किल सेंस ऑफ ह्यूमर वाली चीज uh, थोड़ी नेचुरल थोड़ी आ, आ जाती है आ जाती है नहीं नहीं यू क्योंकि वो क्या है ना इट इज ओनली व्हेन यू एबजॉर्ब कैन देन आई एम आई वुड थिंक आई एम अ फनी पर्सन आई है स्किल ऑफ सींगूमर इन समन देन तो फिर मैं कैसे आपको हंसाऊँ यार जब मुझे ही हंसी नहीं आती है कुछ स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं यार वो पूरा वो प्रैक्टिस करके जब ऐसे मिलो उनको तो कुछ इतनी डल है तो फिर इन उसके पास पूरा स्क्रिप्ट होगा और वो स्क्रिप्ट फ़नी है लेकिन वो फनी नहीं है तो जावेद जहाँ है ये रोजमर्रा की जिंदगी में इन लोगों को हर चीज़ में ना कॉमेडी दिखती है हाँ। और फिर वो ऑब्जर्व करके रख लेते हैं अपने पास ये जो टोपी पहन के दाढ़ी पहन के बैठा है ना बोला मैं गाना वाना लिखता हूँ तो ये मिल गया मुझे एक कैरेक्टर मिला है इसकी क्लास होगी ओके okay. uh, एक लास्ट राउंड है शान भाई इट्स रिएक्टिंग टू सम आइकॉनिक फोटोज एंड वीडियोस अह आपके ओपिनियंस चाहिए किसी के साथ अगर आप पेश आ रहे हो तो ये सब लॉड़ा-वड़ा बोलना बंद करो यार ये क्या है कौन से <laughs> लोग हैं और ये मैंने पहले ही आपको कहा था कि ये सब मत करो फर्स्ट <laughs> मेरे दोस्त मेरे बच्चों के दोस्त हैं <laughs> नया दोस्त बनता है तो बोलते हैं जब पता चलता है कि मेरे बेटे हैं उनको इसका एक मीम भेजते हैं लोग ये वही है ना <laughs> <laughs> तो मेरी आइडेंटिटी बन गई है या। नहीं इट्स फन इट्स फन इट्स फन यार आई मीन आई मेंडेड आई वाज लाइक क्या कर रहे हैं यार मैं कुछ कह रहा हूँ का जवाब नहीं है <laughs> क्या क्या मजा मिलता है इसमें यार एनीवे ब्लेस देम फॉर व्हाटएवर दे उसमें अगर उनको मजा मिलता होगा पता नहीं

सारे भाषाओं में गाने गाया हूं लेकिन अगर आपको सिर्फ गाने ही सुनने हैं कोई और गाना कुछ गाऊं तो इस तरह का बिहेवियर है तो चलो सिर्फ यही गाना करते हैं हो जाए, लेकिन प्रांतवादी कभी मत होना रिमेंबर वी आर वन कंट्री इंडिया इज वन एक्चुअली वर्ल्ड बोलना चाह रहा था इशारा तो वैसे ही था और आप गुस्से में भी बहुत स्वीट लगते हो हाँ भाषण देने लग गया उसमें <laughs> नहीं वो एक अंडर अंडर करंट चल रहा था आई थिंक uh, और uh, वो ये हुआ था मैं कुछ वो uh, मुसमु के अंदर ना मुझे बंगाली गाने का एक दो लाइन गाया था तो वहाँ वो नेपाल भी प्रॉब्लम है बंगाल भी प्रॉब्लम है कुछ लोगों को तो वो पोलिटिकल बना रहे थे उस पूरी चीज़ को तो तो ये प्रांतवादी जातिवादी ये कॉम कॉम को लेकर लोगों की सोच तो वी शुड नॉट डू दैट इंसानियत से बढ़कर और क्या है बट ऐसे कुछ इंसल्टिंग मोमेंट्स होते हैं स्टेज पर कभी लाइक like does हाँ हाँ बिल्कुल होते हैं मेरे साथ डिस्ट्रैक्ट uh, या फिर अटेंशन चाहते हैं उनका कुछ मुद्दा है उस मुद्दे तक आपको ले आना चाहते हैं और uh, ये जो हुआ था इट वॉज़ नॉट एज पर्सनल टू मी कि वो फेंका था मैं तो उसको बना के हाँ क्योंकि हाँ ऑफकोर्स आई वॉज़ नॉट वेल ऑन दैट डे तो कहीं कही ना कहीं एक यू नो मनी और आप थक जाते हो परफॉर्म करते करते ना एक फ़िज़िकली मेंटली थक जाते हो आपको गाना गाना है सब लाइव हो रहा है ऐसा थोड़ी है कि बस आप वहाँ जाके बस वाइब कर रहे हो किसी गाने पे तो थकान के हालत में ना रिएक्शन थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वो तब से देख रहा था वो बंदा यू you नो know, बार बार ऐसे कुछ पॉलिटिकल कुछ रैली कर रहा है ऐसा लग रहा था बट बट डेफिनेटली मुझे मैं जैसे मैं आपको बताऊँ हम लोग जब आ, मैं जब छोड़ा था तो हम लोग सब टेनेंट थे <laughs> मतलब जो घर भाड़े का जो घर था ना वो किसी और का था और वो हम लोग को हम भड़ोत्री के बढ़ोतरी थे hmm. तो जब मेन जब लैंड आती थी ना वो टाउन में रहती थी, थी गुलाबा में तो तब हम सब क्रिश्चियन हो जाते थे क्योंकि वो <laughs> कैथलिक था मिस्टर परेरा मेरा नाम भी अल्फ्रेड था बचपन में <laughs> तो तो अजीब माहौल था जो भी हो तो आ, ये सब दिस इज ऑल ह्यूमर एंड फन एंड रोमांस दिस इज नॉट के यार मैं कुछ दुखड़ा नहीं रो रहा हूँ अपना आई हेर द बेस्ट अपब्रिंगिंग परफेक्ट अपब्रिंगिंग तो हमारे घर में जैसे मद मैरी वैसे ही यू नो you know, काबा का फोटो था और वैसे ही गणपति जी का फोटो था और यू नो तो बिन ब्रॉड दैट वे और तो जब लोग कौमी बातें करते हैं और जनरलाइज करते हैं कि ये तो ऐसे ही हैं अरे वो तो वैसे ही है, तो, वैसे है। तो मुझे बहुत चिढ़ाती है इस बात से और फिर आप कहते हो कि ये अब इंडिया में भी आप ये करेंगे कोई बंगाली बोलेगा कि वो यू नो गुजराती ऐसा है और पंजाबी कहेगा कि मारवाड़ी वैसा है ये क्या हो रहा है यार यू नो you know?

Avengers of Indian music. Ah, no, nah, no, nah, no. A lot of fun. But I mean, हम लोग जब मिलते हैं तो यही चलता है. लेकिन एक बहुत अच्छा वो आपने ये क्लिप चलाया on the 19th of September is uh, the birthday of uh, Sunita Williams and uh, उनका return delay हो गया है she's in space तो so, uh, उनको happy birthday कहना बहुत जरूरी है because she has to stay up there I think uh, her, her return to earth has been डिलेड तो एक्चुअली लग रहा है कि ये गाना बना था और एंड में सुनीता है सो अफकोर्स इट वॉज अस बर्थडे बट ऑल्सो विशिंग सुनीता हैप्पी बर्थ डे एंड नो शी इज लिटली हैंंगिंग इन दो शी सेलिब्रेट बर्थ डे इन स्पेस बट वी विश आर ओनली द बेस्ट दैट शी कम्स लैंड इज ग्रेट

Ah, जब भी मैं किसी म्यूजिक आर्टिस्ट से मिलता हूँ एक मैजिक होता है इन दी एयर आई 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 नो व्हाट यू सेइंग बिकॉज आई हैव मेट सम पीपल उनकी और ऐसी होती है रहमान सर रहमान सर की और मुझे मुझे वो मतलब पर्सनली मुझे गुलजार सर में मिलती है वो चीज़ मे बी हैव अ ब्लॉक बिकॉज यू नो मान वी वी स्टिल यू नो एज वाइज इतना ये नहीं है तो फॉर बट गुलजार साहब में लता जी में वो, वो चीज मिलती थी आई शुड जस्ट बच्चन साहब को देखता है जस्ट देयर वाज अ सर्टन ऑरा अबाउट देम आई डोंट नो ये गंधर्व है कि नहीं मुझे नहीं बट वे दे यू नो ए कामनेस एक जैसे मैंने कहा uh, जाकिर हुसैन साहब मेरे गुरुजी उनमें एक अलग ही और बिना कुछ ज्यादा किए बिना कुछ बोले कैसे हो बस hmm. और बस दैट ऑरा इज अमेजिंग आप में भी है

पंत तो ज़रूरी लाइट शब्द बट तो इंत्रोलिंग मज़ा है आई अम्ग्लाड ग्लाड थैंक यू फॉर ऑल द म्यूजिक मेरे बहुत सारे लाइफ मेमोरीज आपके म्यूजिक के साथ एसोसिएटेड है इस्पेशियली जब मैं लड़कियों को पटा रहा था तब हाँ, तो थैंक uh, यू हाँ, <laughs> हाँ, शान थैंक यू वानफुल वानफुल चलो अभी भी अभी भी अभी दो, अभी दो <laughs> वो लड़की है कहा वो, वो लड़की, लड़की है, है यहाँ मिल गई मतलब दिल में ए, एक बार मेरी गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड के लिए वो लड़की है यहाँ प्यार के चार स्टेजेस होते हैं जल्दी से मैं आपको बता दू मेरे शो का एक आइटम होता है उसमें हर गाना मेरे करता हूँ फर्स्ट स्टेज इज लुकिंग फॉर द राइट लव जब आप ये कहते दो तो, जिसे ढूंढता हूँ मैं हर कहीं जब वो लड़की है यहाँ मतलब फर्स्ट स्टेज से आप सेकंड स्टेज में आ गए सेकंड स्टेज में सब कुछ खूबसूरत है कुछ तो हुआ है कुछ हो रहा है हाँ सेकेंड स्टेज इज अट्रैक्शन थर्ड स्टेज इज वैन यू नो समझ में आता कि ये सब ऊपर ऊपर का था अब असलियत इसकी ये है तो फिर डिसअपॉइंटमेंट थर्ड स्टेज लड़की क्यों ना जाने क्यों लड़कों से नहीं होती <laughs> लेकिन अब ज्यादा कंप्लेन करेंगे ना तो लड़की चौड़े पड़ेगी तो चेंज के थर्ड स्टेज में क्विकली निकलने के लिए माय दिल का <laughs> और फिर फोर्थ स्टेज में यू एक्सेप्ट तुम तो गुस्सा भी करो तो मुझे प्यार लगता है <laughs> जाने क्यों यानी हे चो तो ये है प्यार के चार स्टेजेस तो अभी आप नए नए सेकेंड स्टेज में आए हो हा

वैसे ही प्रोडक्ट्स हम आपके सामने पेश करेंगे दिस इज़ द बेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड मुझे इतना कुछ सीखने का मौका मिलता है ऐसे आईकॉन से बात करने का मौका मिलता है इट वॉज अ लॉर्ड ऑफ फन स्पीकिंग टू शान लर्निंग फ्रॉम शान एंड आई होप टू होस्ट शान वंस अगेन ऑन टी आर एस थैंक यू फॉर लिसनिंग इन दोस्तों